नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिम्रदवा सह कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृंदैः वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्तिः अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्यास सूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभिक्षुषः यासां हरिकथोदगीतं पुनाति भुवनत्रयम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नमो भक्तवत्सल भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की श्री राधा वल्लभ लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जीवन धन श्री प्रिया प्रीतम लाल के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात, परमाराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के एवं श्री दादाजी के युगल चरणारविंदों में बारंबार वंदन। परमादरणीय हमारे जीवन धन गोविंद की कथा से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियां निहारता हुआ, आप सबके रूप में भी मोहन की ही आकृतियों का दीदार करता हुआ मैं बारंबार वंदन करता हूं। प्रत्येक वर्ष दादाजी के जन्म महोत्सव पर यह सत्संग सत्र रखा जाता है। अनेकानेक वर्षों तक तो पूज्य दादाजी की उपस्थिति में भी श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन पवित्र गाथा से इस सत्र को सुशोभित किया जाता रहा। पिछले कुछ वर्षों में ये क्रम थोड़ा बदला और उसमें हेतु मैं ही हूं। कारण क्या है, मुझे कई बार लगा कि सप्ताह कथा के क्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के साथ न्याय नहीं हो पाता है, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण बड़ा ग्रंथ है और इसके विषय भी बड़े रसीले हैं। समय की अवधि कम होने के कारण उन विषयों पर हम कई बार रमण नहीं कर पाते, रस नहीं ले पाते, इसलिए किसी न किसी विषय को रख करके हम लोग विचार की प्रणाली प्रारंभ किए।
इस बार दादाजी के अनुग्रह से श्रीमद् भागवत महापुराण का पावन पवित्र प्रसंग रुक्मिणी उद्वाह प्रसंग है, जिसमें रुक्मिणी के द्वारा गोविंद के पास जो पत्र भेजा गया है उस पत्र की चर्चा होगी। आप आंगल भाषा में से लव लेटर कह लीजिए, प्रेम पत्र कह लीजिए, प्रेम संदेश कह लीजिए, प्रेम अभिव्यक्ति कह लीजिए, जो भी इसका नाम रखना हो आप रख लीजिए, किंतु निश्चित रूप से इसमें भगवान के सामने एक प्रेमी की अपनी भाव अभिव्यक्ति है, और ऐसी भाव अभिव्यक्ति जो भगवान को खींच करके उनके तक ले जाती है। इसी पर चर्चा हम सब करेंगे। इस ग्रंथ के विषय में थोड़ी चर्चा कर दें, जिससे आप लोग इस ग्रंथ के माध्यम से गोविंद को पहचान सकें। भागवत में कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि द्वापर में श्री कृष्ण का अवतार होता है। काल को चार भागों में विभक्त किया गया है, जैसे प्रातःकाल, मध्यान्ह काल, सायंकाल, रात्रि काल, वैसे ही सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है और कलयुग है। प्रत्येक युग में परमात्मा के अवतार होते हैं, और परमात्मा के अवतार की जो मेन विशेषता है, अधिकतर लोग ये समझते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए परमात्मा का अवतार होता है, क्योंकि गीता में यही वर्णन है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। किंतु श्रीमद् भागवत महापुराण के अवतार का हेतु कुछ और है। आप गीता में ही देखिए, जो परमात्मा के अवतार का हेतु बताया गया कि परमात्मा धर्म की संस्थापना के लिए, अधर्म के नाश के लिए अवतार लेते हैं, वही परमात्मा बाद में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। तो यदि परमात्मा का अवतार केवल धर्म की स्थापना के लिए होता तो उस धर्म के त्याग की बात परमात्मा बिल्कुल नहीं कहते, उस धर्म को छोड़ने की बात नहीं कहते। तो निश्चित साध वहां धर्म के साथ उपपद नहीं है, केवल धर्म शब्द का प्रयोग है। हमारे आचार्यों ने, ऋषिकों ने धर्म शब्द के साथ एक पद और लगा दिया, भागवत धर्म। भगवान भागवत धर्म की स्थापना के लिए, और भागवत धर्म माने भगवान से प्रेम करना। एन केन प्रकारेण हम भगवान से प्रेम करने लगे, इसलिए परमात्मा का अवतार हुआ। किंतु भगवान जब तक रहे 125 वर्ष धराधाम में, तो उस अवधि में तो भगवान के मुखारविंद को देख करके, भगवान को निहार करके, उनकी चर्चा सुन करके कोई भी उनका दीवाना बन जाए, क्योंकि चुंबक के समीप कैसे भी आप जाओ खींच जाओगे। तो जब तक भगवान अवतार काल में हैं तब तक तो कोई भक्त बन जाएगा, कोई भी अनुरागी बन जाएगा, कोई भी उनके प्रति खींचा चला जाएगा। किंतु यह नियम है कि जिसका प्राकट्य होता है उसका तिरोधान होता ही होता है। यदि परमात्मा का भी हम अवतार काल मानेंगे, जैसे उनकी जन्माष्टमी मनाएंगे, रामनवमी मनाएंगे, तो निश्चित रूप से एक न एक दिन श्री कृष्ण के स्वधाम गमन की भी चर्चा हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि शाश्वत नियम है। अब उस नियम में आप लोग कुछ भी नाम रख लीजिए, नाम का कोई झगड़ा नहीं है। जैसे वैष्णव लोग हमारे लिखने लगते हैं साकेतवासी,
सदगृहस्थ लोग लिखते हैं किसी का शरीर पूरा हो जाता है तो स्वर्गवासी, कोई गोलोकवासी। हमारे यहाँ सन्यासियों में ब्रह्मलीन शब्द का प्रयोग करते हैं। ये सारे के सारे शब्द इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रविष्ट होने का नाम ही है। केवल शब्द ही हैं, पर्यायवाची ही समझ लीजिए सबके, चाहे स्वर्गवासी कह लीजिए, चाहे वैकुंठवासी कह लीजिए, चाहे गोलोकवासी कह लीजिए, चाहे साकेतवासी कह लीजिए। ये निश्चित रूप से जिस दिन शरीर छूटता है उसी दिन की तिथि का नाम समझ लीजिए। तो स्वाभाविक है कि जो प्रेम करते हैं, प्रेमियों के सामने यदि कहने लगो कि हम मर जाएंगे तो प्रेमी को पसंद नहीं है, या हम चले जाएंगे तो प्रेमी को पसंद नहीं है, तो उसके लिए कुछ न कुछ प्रेमी को करना पड़ता है। तो संयोग से जब श्री उद्धव जी को पता चला कि गोविंद स्वधाम गमन करना चाहते हैं, मुझे लगता है जितना श्री कृष्ण के अंग संग का लाभ श्री उद्धव को मिला है इतना किसी को भी नहीं मिला। न गोपियों को मिला है, न नंद यशोदा को मिला है, न अर्जुन आदि प्रेमियों को मिला है। सबसे ज्यादा अंग संग प्राप्त किया है श्री उद्धव ने। भगवान श्री कृष्ण की छाया के समान रहते थे। इनके बारे में तृतीय स्कंद में तो यहां तक वर्णन है कि जब से सुत संभाली तो श्री कृष्ण उस समय वृंदावन गोकुल में थे और उद्धव जी महाराज मथुरा में थे, किंतु तब भी भगवान को भोग लगाए बगैर भोजन नहीं करते थे, उनको सुलाए बगैर सोते नहीं थे। इतना सान्निकट्य था उनका बचपन से। तो जब उन उद्धव को पता चला, वैसे उद्धव शब्द का तो अर्थ है जिसने परमात्मा को अपना पति बना लिया है, जैसे माधव शब्द है वैसे उद्धव शब्द है। माधव माने माया का पति, उत ऊर्धम धवः, जो सबसे ऊर्ध है और सबसे ऊर्ध परमात्मा है, उसको जिसने अपना पति बना लिया है उसी का नाम उद्धव है। तो हमारे श्री उद्धव एकांत में मिले। मैं कई बार विचार करता हूं कि प्रेमी वह नहीं जो अपनी मान्यताओं को अपने प्रीतम को मनाने में लग जाए, प्रेमी वह है कि अपने प्रीतम की मान्यताओं में अपने को मिला दे। आप कहेंगे कैसे, इतने वर्षों तक साथ जिसको मिला हो वो श्री कृष्ण के बगैर रहने को तैयार नहीं था। उन्होंने कहा एक क्षण तो क्षणार्धपि, आधा क्षण भी। उद्धव ने कहा कि मैं आधा क्षण भी आपके बगैर नहीं रह सकता हूं, इसलिए मामपि नयव, मुझे भी आप अपने साथ ले चलो। किंतु भगवान का मन था कि श्री उद्धव रहे, उद्धव का मन था कि भगवान के साथ जाए, और भगवान का मन है कि उद्धव यहां रहे। अच्छा, उसका हेतु था, कई बार हम लोग भगवान की क्रियाओं को समझ नहीं पाते हैं। एक तो हेतु ये था कि भगवान की पटरानियों को उद्धव ही बोध करा सकते थे। दूसरी बात ये भी थी कि उद्धव एक ऐसे महापुरुष हैं, ऐसे महापुरुष हैं जिनकी सत्ता मात्र से श्री कृष्ण की सन्निधि प्राप्ति का लाभ मिल सकता है, सत्ता मात्र से। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं बोलने से कोई लाभ होगा। अब जैसे यहां कोई गंध आ जाए, चमेली है, चंपा है, तो उसकी आवाज नहीं होगी आपको,
किंतु उसकी सुवास सबको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ऐसे ही कोई भी महद पुरुष आकर के बैठ जाए तो उसकी झनक आपको नहीं लगेगी कि कोई महापुरुष आ गया है, किंतु उसके अंग का संग करके, स्पर्श करके जो वायु बहेगी, उस वायु में ही सद्गुणों का विस्तार हो जाएगा। नहीं तो कभी विचार करना, एकादश स्कंद में पिंगला नाम की वैश्या है, रोज सज धज करके बैठती है, शरीर बेचती है, किंतु एक दिन उसके चित्त में आया कि आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, ऐसी घटना पहले क्यों नहीं घटी। हमारे संतों ने निर्णय किया है कि उस दिन जिस दिन उसको वैराग्य हुआ, एक वृक्ष के नीचे हमारे अवधूत दत्तात्रेय जी बैठे हुए थे जो दूर थे वहां से, वो बारांगना उनको देख नहीं सकती थी, न वो बारांगना को देख सकते थे, किंतु संयोग ये बना कि उनके शरीर का स्पर्श करके वायु जो उसके पास गई, उस वायु ने ही उसके विचारों को बदल दिया। तो वायु में भी बदलने का, विचार बदलने का सामर्थ्य है। तो महद पुरुष यदि रहें तो निश्चित रूप से लोगों का कल्याण होगा। उद्धव जी ने बहुत काम किया भी है, विदुर को संदेश दिया, गोपांगनाओं से मिले, वृंदावन की भूमि में रहे, लता गुल्म के रूप में। और दूसरी बात यह कि भगवान ने भी जाना कि इनका मन है। भगवान भी कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते, अपनी बात रखते हैं कि तो जबरदस्ती नहीं। उद्धव का मन कैसे था, क्योंकि उद्धव जब गोपियों के समीप गए थे तो उन्होंने यही कहा था कि मुझे भी लता गुल्म औषधि बना के यहां रख लिया जाए, और यदि वो चले जाते तो ये कामना उनकी कैसी महाराज पूर्ति होती, अधूरी रह जाती। इसलिए उनको रखना था, इसलिए भगवान ने कहा कि तुम यहां रहो। तो कहा कि प्रभु हम आपके बगैर रह नहीं सकते हैं। भगवान ने कहा कि हर द्वापर में अभी तक 28 द्वापर, 28 चतुर्युगी बीत चुके हैं इस परंपरा के, ये 28वां द्वापर चल रहा है, इसके पहले 28 द्वापर और हो चुके हैं, और 28 और 27 कलयुग हो चुके हैं, क्योंकि अब ये 28वां अपना कलयुग प्रारंभ होगा। अभी 28वां चतुर्युगी चल रहा है, 28 सतयुग हो चुके, 28 त्रेता हो चुके, 28 द्वापर हो चुके, और ये 28वां कलयुग चल रहा है। तो निश्चित रूप से भगवान ने कहा कि अभी तक 27 जो द्वापर हुए, उन द्वापरों में होता क्या था कि जैसे युग पूरा हुआ और श्री कृष्ण सुधाम गमन कर जाते थे, किंतु अब उन्होंने कहा कि मैं सुधाम गमन नहीं करूंगा और हम श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में ज्योति रूप में विराजमान होंगे। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण को हमारे मनीषी वांगमयी प्रतिमूर्ति मानते हैं। ये वांगमयी प्रतिमूर्ति है, वाणी की मूर्ति, जैसे आकाश में बादलों की मूर्ति बन जाती है, वायु की मूर्ति बन जाती है, वैसे ये वाणी की मूर्ति है। ये वाणी की जो मूर्ति है इसी का नाम वांगमयी प्रतिमूर्ति है। अब मूर्ति में अंग भी होते हैं, जैसे हाथ है, पैर है, पेट है, छाती है, ग्रीवा है, मस्तिष्क है, आंख नाक सब इंद्रियां होती हैं, वैसे ही इसमें इंद्रियां भी हैं। और मेन अंगों को, मुख्य मुख्य अंगों को, 12 अंगों को 12 स्कंधों के रूप में अलग अलग ढंग से इनके नाम भी रखे गए हैं। तो मूल यह है कि हमको ज्यादा किसी के अंगों से उतना महत्व नहीं होता जितना हृदय से होता है, ध्यान रखना। हम सब लोग एक दूसरे के हृदय में स्थान पाना चाहते हैं कि हमको हृदय में स्थान मिले और हमको हृदय की बात बताई जाए, हृदय से बोला जाए।
अब यदि भगवान के हृदय में प्रवेश पाना हो, ध्यान रखना, और अपने हृदय में भगवान को प्रवेश देना हो, दोनों बातें हैं। हम प्रीतम के हृदय में हो और प्रीतम हमारे हृदय में हो, ये दोनों प्रवेश पाने के लिए दसवां स्कंद सुनना बहुत आवश्यक है। ये दसवां स्कंद भगवान का हृदय है। अच्छा, आश्चर्य लगेगा आप सबको, प्रत्येक स्कंद में विभाग नहीं है पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के। दसवां स्कंद में विभाग है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध का विभाग किया गया है। अधिकतर श्रीधाम वृंदावन और मथुरा तक की लीलाएं पूर्वार्ध में है और द्वारिका लीला निश्चित रूप से उत्तरार्ध में है। चरित्र और लीला में फर्क होता है, ध्यान रखना। चरित्र जो होता है वो जीवन के चरित्र को संवारने के लिए होता है और लीला होती है वो हृदय को संवारने के लिए होती है। लीला का संबंध कोई जीवन चरित्र से संभालने से नहीं है आपका। लीला शब्द का अर्थ होता है लीनम लाहती, जो आपको भगवान में लीन कर दे। तो श्री कृष्ण की अधिकतर लीला है और जो लीला होती है वह निश्चित रूप से दर्शकों को देख करके ही की जाती है। दर्शकों की जो मांग होती है, जो संदेश देना होता है, उसके माध्यम से की जाती है। तो हमारे जीवन धन श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं बड़ी रसीली हैं। और जब श्री कृष्ण द्वारिका में निवास करने लगे, आप सब कथाएं कई बार सुन चुके हैं, द्वारिका में जब निवास करने लगे तब तक लगभग श्री कृष्ण की आयु 25 वर्ष की हो गई थी। 10.5 महीने कई आचार्य 11 महीने गोकुल और वृंदावन का निवास मानते हैं, कई आचार्य 10.5 महीने 10.5 साल मानते हैं और कई लोग 11 वर्ष भी मानते हैं। ये वृंदावन की जितनी भी लीला हुई हैं सब की सब लीलाएं 11 वर्ष की कम उम्र की, चाहे गिराधरण लीला हो चाहे रास लीला हो, ये सब लीलाओं की अवधि 10.5 या 11 वर्ष की ही है। लगभग 10 वर्ष श्री कृष्ण मथुरा में रहे, तो 11 और 10 कितने हो गए, 21 वर्ष, 21 वर्ष ये हो गए। तो 21 वर्ष ये आयु हो गई। अच्छा, कई आचार्य चरण ये भी मानते हैं कि श्री कृष्ण 15 वर्ष मथुरा रहे, तो यदि 14 वर्ष रहे तो 11 और 14 25 हो गए। कई लोग कहते हैं कि एक लगभग 64-65 दिन वो चले गए गुरुकुल में अध्ययन करने के लिए और कुछ दिन को भागने में द्वारिका बनाने में ये समय लग गया। तो लगभग निश्चित वर्ष से श्री कृष्ण की आयु इस समय 25 वर्ष की है। और सच देखा जाए तो गृहस्थ में प्रविष्ट होने की आयु 25 वर्ष। कारण क्या है, किसके पीछे, सतम जीवेम शरद, हमारी आयु 100 साल की हो तो 100 साल की आयु को 4 भागों में हमारे यहां विभक्त किया गया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 100 को यदि 4 भागों में विभक्त किया जाए तो निश्चित रूप से 25-25 वर्ष ही हाथ आएंगे। तो श्री कृष्ण के ब्याह की अवधि हो गई। महाभारत के आधार पर ये गृहस्थों को समझने लायक है, उसका निर्वाह हमारे वेदव्यास जी महाराज ने यहां भी किया। महाभारत के आधार पर अगर 2 बेटे हों तो बड़े बेटे का ब्याह पहले करना चाहिए, छोटे बेटे का ब्याह बाद में करना चाहिए। कई बार क्या होता है, छोटा बेटा बड़ा बेटा कह देता है अभी तो हमारी तैयारी नहीं हुई है, अभी हम सेट नहीं हुए, छोटे वाले को कर दो। तो कई लोग छोटे वाले का कर देते हैं, किंतु कभी भूल कर छोटे वाले का ब्याह नहीं करना चाहिए। यदि कोई बालक सन्यासी हो गया हो या इधर उधर निकल गया हो, ब्याह जीवन में दोबारा न करने वाला हो,
तो आप छोटे का विवाह कर सकते हैं, नहीं धर्म की बहुत बड़ी हानि इससे होती है। तो इस बात को रखने के लिए एक श्लोक में मैं आज विचार कर रहा था कि सुखदेव जी महाराज की वाणी को बंधन है, दाऊ दादा का विवाह केवल एक श्लोक में, दूसरा श्लोक लिया भी नहीं है, और एक श्लोक में विवाह कराने की बात पूरी की पूरी रख दी इन्होंने, ऐसे ढंग से रख दिया। मैं तो आज इन श्लोकों को देख आनर्दाद मन आनर्ताधिपति ही श्रीमान रैवतो रेवतीम सुताम ब्राह्मण चोदिता प्रादाद बलायेति पुरोदितम। इन्होंने कहा कि कोई आनर्थ प्रदेश, आनर्थ प्रदेश बने जहां के लोगों को नाचना अच्छा लगता है, ये गुजरात द्वारिका जहां है ना, वहां के लोग, उस देश का नाम आनर्थ प्रदेश है। आसमंतात नृत्यते, जिनको सम्यक प्रकार से, आप देखना गुजरातियों की चाल में नृत्य होता है, वो चलेंगे तो नाचते हुए चलेंगे, तो आनर्थ उस भूमि का असर होता है। हमने देखा जिस भूमि में आप रहो ना, उस भूमि का बहुत बड़ा असर है। अब जैसे आप लोग कुरुक्षेत्र हरियाणा में जाओ तो वहां के लोगों को लड़ना झगड़ना बहुत अच्छा लगता है, उस भूमि का असर है, लड़ने वाले लोग मिलेंगे आपको, आप लड़ने के चांस न में तब भी लड़ाई की तैयारी कर लेंगे वो लोग, वो भूमि का असर है। ऐसे नाचने का जो असर है ना, ये हम एक दिन विचार कर रहे थे, कभी मन में आया कि श्री कृष्ण तो महाराज यहाँ वृंदावन में तो खूब नाचते रहे बचपन से, और मथुरा में तो युद्ध करने का अवसर, मथुरा में नाचने का समय नहीं मिला, युद्ध करने में कहाँ नाचने का समय मिलेगा, तो वृंदावन तो लौट कर नाचने के लिए जा नहीं सकते थे, तो सोचा कि ऐसी जगह जाएं जहां हम स्वयं नाचें और दूसरों को नचाएं, इसलिए उन्होंने द्वारिका का चयन किया। वो आनर्थ प्रदेश ही है, और तो आनर्थ प्रदेश में के राजा जो अधिपति थे वो श्रीमान रैवत थे। यहां श्रीमान शब्द का प्रयोग करने का अभिप्राय है लक्ष्मीवान थे, अर्थात उनके पास वैभव बहुत था, और ऐसे श्रीमान थे, इनका नवम स्कंद में वर्णन है, विशद वर्णन। ये सूर्यवंशी राजा हैं, सूर्यवंश में नाम के वंशजों में ये हैं रैवत, और संयोग से पूरे भूमंडल में उनको अपनी बेटी लायक कोई दूल्हा जचा ही नहीं। और कई बार महाराज ऐसा होता है कि जिनको दूल्हा अपने लायक जचता नहीं फिर वो बिना ब्याह के ही रह जाते हैं, क्योंकि सर्वांगीण सुंदर या सर्वांगीण अपने अनुकूल तो ईश्वर के अतिरिक्त तो कोई दूसरा हो नहीं सकता है। कहीं ना कहीं हम सबको समझौता करना ही पड़ता है, और जिसको समझौता करना नहीं आता है वो कहीं सुखी नहीं रह सकता है। अगर सुखी रहना है तो समझौता करना सीखो। अच्छा, अगर कभी विचार करो पति पत्नी में समझौता नहीं तो बच्चों के साथ समझौता करना पड़ता है कि नहीं, ऐसे से गर्दन हिला देना, नहीं तो लोग समझेंगे बच्चों से परेशान तो नहीं है। अरे बच्चों के समझौता की बात तो छोड़ दो, नौकरों के साथ समझौता करना पड़ता है। अगर आप नौकरों के साथ समझौता न करो तो आप शांति से घर में नहीं रह सकते हो। समझौता करना सीखना चाहिए। इन्होंने माना समझौता किया नहीं, किंतु श्रीमान थे तो ब्रह्मा के पास ही चले गए। ब्रह्मा जी महाराज से पूछने गए कि तुमने सृष्टि बनाई तो मेरी बेटी को भी जन्म दिया, और यदि बेटी को जन्म दिया तो बेटी लायक वर भी बनाया होगा, वो वर है कहाँ? तो संयोग से ब्रह्मा जी महाराज के यहाँ गए तो वहाँ तो नृत्य हो रहा था, संगीत हो रहा था, और उस नृत्य संगीत में रैवत बैठ गए अपनी बेटी को लेकर के, और वहाँ के आधार पर मानो 3 घंटे भी नृत्य चल गया, तो यहां तो कई युग बीत गए, क्योंकि आयु का फर्क है। हम लोगों का जब 100 वर्ष अपने, हम लोगों का 1 वर्ष बीतता है ना, तब देवताओं का 1 दिन बीतता है, ध्यान रखना। अब घंटे घंटों अगर बीत गए तो युग बीत गए। अब युग बीत गए तो ब्रह्मा जी महाराज से पूछा,
ब्रह्मा जी से पूछ करके कहा कि महाराज हमारी बेटी लायक वर कहाँ है, तो ब्रह्मा जी ने हंस करके कहा कि श्रीमान जी जिन जिन को देख करके आए थे वो तो सब चले गए और इस समय द्वापर है, द्वापर का लास्ट है और भगवान के अंश से ही श्री बलराम जी महाराज का प्राकट्य है, तो जाकर के उनको तुम अपनी बेटी दे दो। महाराज आज्ञा मान करके बेटी दे दी। यहां ज्यादा विस्तार नहीं है कि कैसे बेटी दी क्या दिया, क्योंकि दाऊ दादा के चरित्र का भागवत में विस्तार है ही नहीं। क्यों दाऊ दादा के चरित्र का विस्तार नहीं है, इसके पीछे हेतु है, इसके पीछे कारण है। क्या कारण है कि दाऊ दादा जब तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले और नैमिषारण्य की भूमि में पहुंचे तो जो कथा का रस लोग ले रहे थे, तो स्वाभाविक है, मेरा तो अनुभव ऐसा है कि यदि कथा का रस मिल जाए तो दुनिया के सारे रस फीके लगते हैं। तो उनको लगा कि हमको भी कथा करनी है। और दूसरी बात यह है कि उनके श्री कृष्ण के चरित्र को विशेष रूप से गाना था। अब श्री कृष्ण के चरित्र को विशेष रूप से गाना है तो दाऊ दादा से ज्यादा कौन जानेगा, दाऊ दादा उनके अंतरंग हैं, ये सूत जी महाराज क्या जान सकेंगे। तो सूत जी महाराज को कहते कि गद्दी खाली करो तो खाली नहीं करते, उनको भी रस मिल रहा था। तो उन्होंने एक कौतुक किया, कौतुक ये किया कि जब दाऊ दादा तीर्थ यात्रा करते पहुंचे तो सब के सब लोग खड़े हो गए, किंतु सूत जी महाराज नहीं खड़े हुए। अब उन्होंने तुरंत अभिनय किया कि उन्होंने अपमान किया है, तो हल मूसर उठा करके सूत जी का ही उद्धार कर दिया। अब जब सूत जी महाराज को मार दिया तो सब लोग घबरा गए कि ये क्या किया। 88,000 महात्मा सब बैठकर कथा सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा कि महाराज आप कृपा कीजिए, इनको जीवित कीजिए। बोले इनको जीवित नहीं करूंगा, इनके जो पुत्र हैं उन पुत्र में महाराज इन्होंने कहा कि उनको मैं सामर्थ्य दे दूंगा। तो पुत्र को सामर्थ्य नहीं दिया अपितु तो पुत्र में स्वयं प्रविष्ट होकर के उन्होंने भागवत की कथा कही। भागवत के वक्ता सुखदेव जी महाराज तो हैं ही, किंतु याद रखिएगा भागवत के जो सूत जी महाराज के रूप में बैठ करके कथा कही जा रही है वो दाऊ दादा है। और दाऊ दादा होने के कारण अस्वाभाविक है कि यदि स्वयं कथा कर रहे हैं तो अपने चरित्र का तो विस्तार करेंगे नहीं, अपने विवाह की चर्चा सुनाने लगे, फिर ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ। तो उनको लेना है रस श्री कृष्ण के ब्याह का, श्री कृष्ण के चरित्र का रस लेना है, आनंद लेना है, इसलिए उन्होंने इस चरित्र का बहुत विस्तार नहीं किया। केवल एक श्लोक में ही पूरा का पूरा चरित्र सुना दिया, ब्याह का चरित्र सुना दिया। और बाद में उन्होंने कहा भगवान अपि गोविंद उपये मे कुरुदवः वैदर भीम भीष्मक सुताम श्रियो मात्राम स्वयंवरे। इस चरित्र का प्रारंभ, ये हमारे सुखदेव जी महाराज की एक विलक्षणता है। सुखदेव जी महाराज कोई जब विशिष्ट लीला सुनाने वाले होते हैं, जिस चरित्र को सुनकर के लोगों के चित्त में शंका जग जाए, आश्चर्य जग जाए, तो उसका प्रारंभ ये भगवान शब्द से ही करते हैं। जैसे रास का प्रारंभ भी भगवान शब्द से। आप देखेंगे जहां भी कोई लीला होगी विशेष, तो श्रीमान जी भगवान शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे रास का प्रारंभ भगवान अपि तारात्रि है, ऐसे इसका प्रारंभ भी भगवान अपि गोविंद है। भगवान, भगवान कहने का अभिप्राय सर्वसमर्थ है। मैं कई बार लोगों को निवेदन करता हूं,
जैसे शब्द है धनवान, वैसे ही शब्द है ज्ञानवान, वैसे ही शब्द है भगवान। भगवान माने होता है तदवान, जो पहले वैसा वाला। विद्वान माने विद्या वाला, धनवान माने धन वाला, गाड़ीवान माने गाड़ी वाला, ऐसे भगवान माने भग वाला। और भग होते हैं छह, जिसके जीवन में छह चीजें हों वही भगवान बन सकता है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसा श्रिया ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणाम भग इतीर्णः। इसमें समग्र पद का अन्वय सबके साथ है। हमारे पास भी थोड़ा सा ईश्वरीय है तो हम भगवान नहीं बन जाएंगे। समग्र ईश्वरीय, जितना दुनिया का ऐश्वर्य है सब ऐश्वर्य जिनके पास हो। ऐश्वर्य से समग्र से धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, जिनके जीवन में संपूर्ण धर्म है, संपूर्ण श्री है और संपूर्ण हमारा धर्म वैराग्य है, संपूर्ण ज्ञान है। और श्री कृष्ण के जीवन में सभी छो के छो भरपूर है। ज्ञान की तो पराकाष्ठा है, वैराग्य की भी पराकाष्ठा है। वैराग्य माने क्या होता? वैराग्य माने कोई कपड़ा रंगना नहीं होता, ध्यान रखना। राग द्वेष की शिथिलता। अब श्री कृष्ण से बड़ा वैराग्य किसका दिखेगा? जिस गोकुल में, जिस वृंदावन में इतना प्रेम मिला, और श्रीमान जी यदि एक बार छोड़ करके आ गए तो दोबारा गए नहीं, ये वैराग्य का स्वरूप है। और दूसरी ओर देखो, इतना बड़ा परिवार अब सुनने को मिलेगा आपको। हमारी गणित कमजोर है, आप लोग अपने आप जोड़ लेना। 16,108 पत्नियां, सबसे 10-10 बेटे थे, आप जोड़ लेना कितने हुए। और एक एक बेटियां थी, उसके बाद तीसरी या चौथी पीढ़ी चल रही थी श्रीमान जी की, और पूरा का पूरा परिवार उनके आंखों के देखते सामने एक दूसरे को मार करके मर गए। केवल चतुः पंचावशेषिता, और श्रीमान जी की एक भी आंसू नहीं आया, एक के लिए भी मातम नहीं मनाया। इसका नाम वैराग्य है। वैराग्य माने कोई विशेष भेष नहीं है या विशेष स्थान नहीं है। जैसी घटना घटती जाए उस घटना को हम वैसे ही लेते चले जाए। तो संपूर्ण धर्म, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य के स्वरूप परमात्मा वो गोविंद। गोविंद शब्द कहने का अभिप्राय है, एक तो ये गोविंद इनका नाम कब पड़ा? श्रीमद् भागवत महापुराण के आधार पर जब इन्होंने गिरिराज धारण किया तब इनका नाम गोविंद पड़ा। वो भी सुरभि मैया के द्वारा दिया हुआ नाम है गोविंद। सुरभि मैया ने इनको नाम दिया था गोविंद। एक गैया मैया के द्वारा दिया गया नाम इनका गोविंद। उनका ब्याह महाराज किसके साथ हुआ? वैदर्भी। मैं आज विचार कर रहा था, भीष्मक सुता कहने के बाद सुताम वैदर्भी कहने की जरूरत नहीं थी। भीष्मक सुताम, वैसे भीष्मक नाम समुद्र का है, बहुत बढ़िया प्रयोग है। ये समुद्र का पर्यायवाची है भीष्मक, और विचार करने लायक भी यही है कि लक्ष्मी बेटी किसकी है? लक्ष्मी बेटी समुद्र की है। लक्ष्मी का प्रादुर्भाव समुद्र से, भीष्मक सुताम श्रियो मात्राम, ये श्रियो मात्राम का ही अभिप्राय विष्णु पुराण के आधार पर। ये जो मात्रा शब्द है ना, हमारे यहां तन्मात्रा में लिया जाता है,
जैसे जितने राम के, कृष्ण के, परशुराम आदि जितने अवतार हैं वो विष्णु मात्राम हैं, वो विष्णु से ही उत्पन्न हैं, उनके मूल कौन हैं? विष्णु, उनसे ही ये उत्पन्न है सारे राम कृष्ण परशुराम, ये जितने अवतार लिए जाते हैं भगवान विष्णु के नाम, सारे विष्णु तन्मात्राम हैं। वैसे ही जो रुक्मिणी हैं वो लक्ष्मी तन्मात्राम, श्रिया माने लक्ष्मी, लक्ष्मी ही स्वरूप हैं, लक्ष्मी की ही रूप हैं, कोई दूसरी नहीं है। विष्णु पुराण में तो ये माना गया, स्वाभाविक है कि यदि श्रीमान आएंगे तो श्रीमती को भी आना पड़ेगा ही पड़ेगा, तो श्रीमान जी यदि अवतार लेते हैं तो श्रीमती जी भी अवतार लेती हैं। और एक बात बताएं, अवतार श्रीमान श्रीमती ही नहीं लेते हैं, भगवान के परिकर भी अवतार लेते हैं, वो भी उतर करके आते हैं, नित्य पार्षद जिनको कहते हैं, उद्धव आदि सब नित्य पार्षद हैं, किसी न किसी रूप में वह लौट करके आते ही आते हैं नित्य पार्षदों के रूप में। तो यहां मात्राम शब्द का अर्थ ये लक्ष्मी की ही स्वरूपा हैं, अर्थात जैसे नारायण के रूप श्री कृष्ण हैं वैसे ही लक्ष्मी की रूप ये रुक्मिणी हैं। विदर्भाधिपति हैं इसलिए विदर्भ की राजकुमारी हैं। ये वैदर्भीम शब्द कहने का अभिप्राय ये है। अच्छा, होता क्या है, कई बार जरा विचार करना कि कोई बड़े बाप की बेटी हो तो उनकी बेटी हो जाएगी किंतु सबकी बेटी नहीं बन पाएगी वो, किंतु उसका स्वभाव ऐसा हो मिलनसार और सबका ध्यान रखने वाली हो। तो आपको सच कहें, आप कभी जानकी का चरित्र पढ़ना तो जानकी के यहाँ अब जनकपुर में जो उनके यहाँ नौकर भी थे, काम करने वाले बड़े बूढ़े थे, सब उनको अपनी ही बेटी मानते थे, सबको लगता था कि मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। तो ये वैदर्भीम कहने का अभिप्राय ये है कि ऐसे इनके गुण थे, ऐसे गुण थे कि निश्चित रूप से इनको सब के सब अपनी पुत्री के रूप में ही मानते थे। और दूसरी बात और भी है, ये विदर्भ की विशेषता को दर्शाने के लिए, विदर्भ की विशेषता, ये विदर्भ राज्य है, कई राज्य में लोग लक्ष्मी को भोग्या बनाना चाहते हैं, किंतु ये भक्तों की विशेषता होती है, भक्त लक्ष्मी को कभी भोग्या नहीं बनाता है, ध्यान रखना, उसको अपनी बेटी बनाता है। इसलिए पृथुजी महाराज ने भागवत में, पृथुजी महाराज ने पृथ्वी को भोग्या नहीं बनाया, उनका ऐसे ढंग से पालन किया जैसे कोई पुत्री का पालन करे। तो ये पूरे राष्ट्र को बहुत प्रिय थी महाराज ऐसी। स्वयं वरे शब्द का अभिप्राय यहां तो बड़ा देखने में ऐसा लगता है बोलते समय कि स्वयंवर में विवाह किया, किंतु स्वयंवर में तो ब्याह हुआ नहीं है। स्वयंवर शब्द का अर्थ ही होता है कि कन्या अपने आप अपने वर का चयन कर सके, किंतु निश्चित रूप से यहां तो कन्या ने चयन, महाराज स्वयंवर तो वहां हुआ नहीं, कोई राजा महाराजा आए नहीं, और दूसरों की दृष्टि से भले स्वयंवर न हुआ हो किंतु हमारे सुखदेव जी महाराज की दृष्टि से स्वयंवर ही है। आप कहोगे सुखदेव जी की दृष्टि स्वयंवर कैसे है, स्वयंवर का अभिप्राय होता है कन्या स्वयं वर का चयन करे। तो रुक्मिणी ने स्वयं चयन किया कि नहीं किया, अब जरा विचार कीजिए, स्वयंवर मानो सभा लगी हुई है, अब जैसे स्वयंवर हुआ था जानकी का, वहां भी स्वयंवर था जानकी का भी, अब उस स्वयंवर में राजा लोग सब विरोधी बन रहे थे, तो उनके विरोध में यदि राम जी उनको, वैसे तो परशुराम जी ने काम बहुत बढ़िया किया वहां करके कि राम जी को युद्ध ही नहीं करना पड़ा, केवल वाक युद्ध से काम चल गया, वाक युद्ध से काम चल गया, शारीरिक युद्ध वहां नहीं करना पड़ा। यहां स्वयंवर हुआ तो सही किंतु यहां शारीरिक युद्ध करना पड़ा,
प्रमथ्य तरसा राज्ञ, दुष्ट राज्ञ राजाओं के मरज बल का मंथन करके जिसमें साल्वादि चेदी नरेश आदि थे, पश्यताम सर्वलोकानाम, सब लोगों के देखते देखते, पश्यताम सर्वलोकानाम, ये सर्वलोकानाम अर्थ क्या, सब लोग देख रहे थे क्या? बात यह होती है कि सामान्य बेटी की, बाप की बेटी का यदि ब्याह हो जाए तो उसके पड़ोसी लोग देख लेंगे, किंतु कोई राजा महाराजा हो और उसके बेटी का ब्याह होने वाला हो, बेटे का ब्याह होने वाला हो, तो सारे मीडिया वाले वहाँ पहुँच जाते हैं कि नहीं पहुँच जाते, कि यहाँ कितना खर्चा किया गया और कैसे ब्याह हुआ, तो लगता है कि दुनिया भर के मीडिया वालों की दृष्टि उस ब्याह में लगी थी, उस ब्याह में सारी दुनिया की मीडिया की दृष्टि लगी थी, ये ब्याह होगा कैसे और किसके साथ होगा। तो सर्वलोकानाम पश्यताम, सब लोगों के देखते देखते महाराज ऐसे ब्याह करके श्री कृष्ण लेकर के आ गए। कैसे ब्याह करके लेकर आ गए? बोले जैसे गरुण जी महाराज देवताओं के मध्य से सुधा को छीन करके ले आए हों। इसमें पुराणों की बड़ी रसीली कथा, इसको आप समझ लोगे तब इसका उदाहरण को समझ पाओगे। हमारे कश्यप जी महाराज की पत्नियां दो हैं, दिति और अदिति, वैसे तो कई पत्नियों की भी चर्चा उनकी है। तो कई बार स्वाभाविक है सौतों में झगड़ा होता रहता है और उन झगड़ों में हार जीत भी होती रहती है, स्वाभाविक है, सहज है। तो एक दिन दो देवियां बैठी थी, दो कश्यप जी महाराज की पत्नी, और आपस में एक ने कह दिया, अच्छा ये चर्चा उठाई थी निश्चित रूप से हमारे श्री ताक्षपुत्र की माने, गरुण जी महाराज की माने, ये चर्चा दूसरे की उठाई नहीं हुई थी, अभी मैं देवी भागवत पढ़ रहा था, ये प्रस्ताव उनकी तरफ से रखा गया था। और उन्होंने कहा अच्छा एक बात बताओ कि जो सूर्य का रथ है उसके जो घोड़े हैं, उन घोड़ों के जो महाराज पूछ है वो किस रंग की, या घोड़े किस रंग के हैं? है तुम्हारा श्वेत रंग के, किंतु उसने कहा, उनकी सौत ने कहा कि नहीं नहीं काले रंग के हैं। और बाद में शर्त ये रखी गई कि काले रंग के होंगे तो मैं जीती, श्वेत रंग के होंगे तो तू जीती, और जो जीत जाएगा वह निश्चित रूप से हारे हुए व्यक्ति को दास बना के रखेगा, नौकरानी बना के रखेगा। महाराज सर्पों की माने खड्यंत करके अपने सर्पों को उनकी पूछ में लगा दिया, और जब ये देखने गई तो दूर से स्वाभाविक है काले दिखे, तो हार स्वीकार कर ली। अब जब गरुण जी महाराज ने देखा कि मेरी माँ दासी बन गई, दासी का तो बहुत दुख का भरा जीवन, तो जाकर के कहा माँ से पूछो उनसे कि इस दासत्व से मुक्त कैसे करोगी, कैसे मुक्त हमको करोगी दासत्व से? तो कहा मुक्त करने का एक साधन है हमारे पास कि तुम हमारे बच्चों को ला करके स्वर्ग से अमृत दे दो। अब स्वर्ग में अमृत जहां रखा हुआ है, वैसे तो भोगी लोगों का अमृत है, रस है वो, और उसके बीज से छीन कर लाना किसी के दम की बात तो थी नहीं, वहां सारे देवता लोग लगे हुए हैं अस्त्र शस्त्र लेकर के। किंतु गरुण जी महाराज वहां गए और देवताओं से युद्ध करके महाराज उनको परास्त करके उस अमृत को लेकर आए। तो जैसे देवताओं को परास्त करके गरुण जी महाराज अमृत लेकर के आ गए, सुधा लेकर के आ गए, वैसे हमारे श्री कृष्ण इन शिशुपाल आदि राजाओं को परास्त करके और उनके बीच से ये रुक्मणी रूपी अमृत लेकर के आ गए। ये भी अमृत है, इसलिए सुधामिव शब्द का प्रयोग करने का अभिप्राय यह है कि समाज की दृष्टि देखती हुई भले ही महाराज उनकी पत्नी थी, किंतु सच कहें वह उनकी प्राण थी। और इतना विश्वास था, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि जितना विश्वास श्री कृष्ण का रुक्मिणी से था, उतना विश्वास अन्य पत्नियों से भगवान का नहीं था। आप कहेंगे ऐसे कैसे कह रहे हैं,
जिस ढंग का विनोद वह रुक्मिणी के साथ करते हैं दूसरी स्त्री के साथ नहीं करते हैं, क्योंकि जिस पर हमारा पूर्ण विश्वास होता है कि यदि बाद में हम चाहे कितनी रूठी हो, चाहे कितनी नाराज हो, यदि हम उनके सामने बाद में मनाएंगे तो मान जाएगी, ये पूर्ण विश्वास। इसलिए कई बार विनोद जो होता है ना, विनोद किया जाता है, हंसी मजाक किया जाता है, तो हंसी का पात्र उसी को बनाया जाता है जो अपना बहुत अंतरंग हो। आप भागवत में कई बार सुने होंगे रुक्मिणी के साथ भगवान विनोद करते हैं, रुक्मिणी के साथ भगवान हंसी करते हैं, सत्यभामा के साथ नहीं करते, जामवती के साथ कभी नहीं किया भगवान ने विनोद। सत्यभामा को भी कह सकते तुम्हारी तो मंगनी हो गई थी, तुम जाना चाहो तो वहां तुम्हें भेज सकते हैं, किंतु उनको नहीं कहा, रुक्मिणी को कहा। कारण क्या है? रुक्मिणी के अंतकरण से श्री कृष्ण पूर्ण परिचित थे, तो उनकी प्राण है वह उनकी अमृत है, इसलिए कहा कि तार्क्ष पुत्र सुधामिव। जैसे महाराज गरुण जी लेकर अमृत आ गए थे, वैसे ही अपने अमृत को, अपने जीवन को ये सब के बल का मंथन करके लेकर चले आए। सुखदेव जी महाराज ने इतनी कथा सुना दी ब्याह की। आपको कहें कि दाऊ दादा के विवाह की चर्चा इन्होंने एक श्लोक में की और श्री कृष्ण के विवाह की चर्चा दो श्लोकों में। अब दो श्लोकों में ब्याह की चर्चा करने के बाद सुखदेव जी महाराज मौन हो गए, किंतु जिसको जहां प्रीति होती है ना, निश्चित रूप से उसको उसके विषय में बार बार सुनने की इच्छा होती है कि भाई अब और बताओ कैसे ब्याह हुआ, विस्तार से सुनाओ, आपने तो एक सांस कैसे हुआ, भगवान भीष्मक श्रुताम रुक्मिण्याम रुचिरान नाम। हमारे राजर्षि परीक्षित पूछते हैं कि जो महाराज भीष्मक श्रुता है वो कैसी हैं, बोले रुचिरान नाम, उनका जो आनन है मुखारविंद है बड़ा रुचिर है, अर्थात उनके मुस्कान में थकान नहीं पड़ती थी। रुक्मिणी भी सदा सर्वदा मुस्कराती रहती थी, रुचिरान नाम है ना, उनका आनन बड़ा रुचिर था। राक्षसेन विधानेन उपधेम इति श्रुतम, मैंने तो सुना है कि उनका ब्याह तो राक्षस विधि से हुआ था, तो जो राक्षस विधि से हुआ किस प्रकार से हुआ हमको आप सुनाइए। भगवत श्रोतमिच्छामि, महाराज मैं सुनना चाहता हूं। क्या सुनना चाहते हो? बोले कृष्णस्य अमित चेतसा, जो अमित गुण वाले श्री कृष्ण हैं, तेज वाले गुण श्री कृष्ण हैं, उनकी लीला सुनना चाहता हूं। यथा मगध शाल्वादीन जित्वा कन्याम उपाहरत, कैसे मगध आदि राजाओं को परास्त करके, शाल्वादी राजाओं को परास्त करके वो रुक्मिणी से ब्याह करते हैं। यहां राक्षसेन विधानेन, ब्याह के कई विधियां हैं। जैसे ब्याह की पहली उत्तम विधि तो वेद विधि ब्याह की है, जिस ब्याह में माता पिता कन्या का चयन करते हैं, वर का चयन करते हैं, और वैदिक विधि से वो ब्याह होता है। दूसरा ब्याह की पद्धति ये गांधर्व विवाह भी है। गांधर्व विवाह का अभिप्राय कन्या स्वयं अपने वर का चयन कर ले, किंतु उस गांधर्व विवाह में नियम ये होता है कि पिता एक आयोजन करता है, और पिता आयोजन करता है तो अपने ही जो जहां जहां ब्याह हो सकता है उन्हीं को बुलाया जाता है। अब राजा की कन्या का ब्याह होगा तो उसमें कोई गरीब आदमी तो प्रविष्ट होने वाला नहीं है, वहां तो राजकुमार ही आएंगे। उन राजकुमारों में, हजारों राजकुमारों में एक का वह चयन कर सकती है, इसका नाम गांधर्व विवाह है। अथवा कई बार क्या होता है कि अपनी बेटी के विशेष गुण को पिता ने देख लिया, घर वालों ने देख लिया, तो अब चाहते हैं कि इसी गुण वाला पुरुष इसको मिले। जैसे राजाधिराज श्री जनक जी महाराज ने श्री जानकी का पौरुष देख लिया। जानकी का पौरुष क्या था कि जिस धनुष को लोग हिला नहीं सकते थे, वो सफाई करते समय उसको सहज ढंग से हाथ से उठा करके दूसरे ढाई में रख दिया। तो अब पिता ने प्रतिज्ञा कर ली कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में ब्याह करूंगा।
जैसे वैसे हमारी द्रौपदी माँ, इनको धनुर्वेद का बहुत अच्छा ज्ञान था, धनुर्वेद की बहुत अच्छी जानकार थी। तो धनुर्वेद की जानकार अब इसको पति प्रदान करना है तो महाराज मछली की छाया देखकर जो मछली को वेद दे, ये भी पिता की प्रतिज्ञा थी। उस प्रतिज्ञा के आधार पर भगवान की एक पत्नी और भी हैं नग्नजीति, उनके पिताजी ने प्रतिज्ञा की थी कि 7 बैलों को एक साथ जो नाथ देगा उसी को अपनी कन्या देंगे, दूसरे को कन्या हम देने वाले नहीं हैं। तो ये प्रतिज्ञा विवाह है, शुल्का विवाह भी है, ऐसे कई प्रकार के विवाहों की विधि है। तो राक्षस विधि जो है, अब सुनने में ही बड़ा नाम उत्तम नहीं लगता है ये, किंतु राक्षस विधि विष्णु पुराण आदि में, श्रुति आदि में उसको कहते हैं युद्धात हरणात्, युद्ध करके जो कन्या का हरण करके ले आए उस विवाह का नाम राक्षस विधि है। अपने पड़ोसियों के, अपने विपक्षियों के मान का मर्दन करके जो लेकर के आए, तो राक्षसेन विधानेन उपमेम इति श्रुतम, मैंने सुना है। और महाराज मैं सुनना चाहता हूं, क्या सुनना चाहता हो, क्या चाहते हो, तुम्हारा मानस क्या है? बोले कृष्णा अमित चेतसा, जो श्री कृष्ण है उनको जो तेज है वो अमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। अमित का अर्थ यहां असीम है, कोई सीमा नहीं, कोई आकलन नहीं है उनका। मित माने होता है एक सीमित, और अमित का अर्थ होता है जिसमें कोई सीमा है ही नहीं। जिनका बल, जिनका तेज है अमित, उनका चरित्र मैं सुनना चाहता हूं, उन्होंने कैसे ये ब्याह किया। ब्रह्मण कृष्ण कथाहा पुण्याहा माधवीर लोकमलापहा कोनु तृप्येत श्रणवानः श्रुतज्ञो नित्य नूतनाः। ये राजर्षि परीक्षित महाराज कथा के प्रेमी हैं, और जो कथा का प्रेमी होता है वो कभी कथा से तृप्त नहीं होता। तुलसीदास जी महाराज इसलिए कहते हैं कि राम कथा जे सुनत अगाही रस विशेष जाना तिन नाही। जो कह दे कि बस बस अब कथा से पेट भर गया, अघाना माने भर जाना, ये उत्तर भारत का शब्द, अब हम अघा गए हैं, अब हमको नहीं चाहिए। तो जो जिसका पेट भर जाए कथा सुनकर के, तृप्ति मिल जाए, वह रसज्ञ नहीं है। यहां तो भगवान की कथा का ऐसा रस है कि जितना मिले उतना कम लगता है, बार बार सुनने का मन होता है, बार बार उसकी चित्त आकर्षित होता है। तो यही कहते ब्रह्मण कृष्ण कथा। अच्छा, इस कृष्ण कथा की एक विशेषता और भी है। कृष्ण कथा की विशेषता क्या है? ये पुण्या, देखो जितने भी हम लोगों को सुख मिलते हैं, सुख का संबंध पुण्य से है, और जितने दुख मिलते हैं उसका संबंध पाप से है। दो चीजें हैं, सुख या दुख। आनंद की चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं, आनंद तो बात ही अलग है। ये शब्द जन्य सुख, स्पर्श जन्य सुख, ये भोजन का सुख, संगीत का सुख, ये संसार से जहां जहां से आपको सुख मिलता है तो वो सब के सब सुख के हेतु बनते हैं, हेतु के कारण बनते हैं वो, किंतु उसके पीछे मूल में हमारा पुण्य होता है। अगर हमारे पास पुण्य की पूंजी न हो तो हमको दुनिया में कोई सुखी बना सकता नहीं है। और ऐसे यदि पाप की पूंजी हमारे खाते में न हो तो हमको कोई दुखी नहीं बना सकता है। यदि हम दुखी बनते हैं तो आप दुख का निमित्त किसी को भी बना दीजिए, व्यक्ति को बना दीजिए, स्थान को बना दीजिए, वस्तु को बना दीजिए, वो केवल बेचारा निमित्त है। दुख के पीछे सप्लाई है आपके पाप की। अच्छा, विशेषता क्या है सुख की? जितना सुख भोगोगे उतने आपके पुण्य चले जाएंगे, और जितना आप दुख भोगोगे उतना आपके पाप चले जाएंगे। ये खाता आपका ही खाली होता है,
खाता किसी दूसरे का खाली नहीं होता है। तो अब ये भगवान की कथा क्या है, इसमें एक विशेषता है। आज हम इस पर बड़े बढ़िया हो रहे थे, लेटे लेटे दृष्टि चली गई। हम तो चिंतन कभी कभी मौज में होते हैं, चिंतन ये गया कि संसार के सुख जितने हैं वो पुण्य क्षय करके हमको सुख देते हैं, किंतु भगवान की कथा में सुख तो मिलता है किंतु इसमें पुण्य क्षय नहीं होता, पुण्य और बढ़ जाता है। अब देखो ध्यान रखना, कभी किसी पार्टी में आप जाओ, वहाँ नृत्य का आनंद हो रहा हो, संगीत का आनंद हो रहा हो, भोजन का आनंद हो रहा हो, तो जो आप आनंद पार्टी का लेकर के आ रहे हो ना, उसमें अपने पुण्य की पूंजी गमा के आ रहे हो, उसमें अपने पुण्य की पूंजी गमा करके आ रहे हो। बिना पूंजी गमाए हुए आपके पास में वो टोकन मिलते हैं, टोकन, वो हम जहां रहे ना ऋषिकेश में बहुत दिन तक, वहां दूध मिलता था, तो महात्माओं को जो दूध मिलता था तो उनको मानो 30 लीटर की टोकन दे दिए गए दूध के। आप जितना टोकन 1.5 लीटर का डाल के ले आए तो 1.5 लीटर कम हो गया कि नहीं हो गया? अब ये नहीं कि आज हम 1.5 लीटर ले आए हैं तो अब हमारा तो काम हो गया, रोज 1 लीटर मिलता था, वो हमारे टोकन से ही मिला है। वो जिस दिन वो खत्म हो जाएगा तो चाहो तो वो 30 दिन तक चलाओ आप, और चाहो तो 15 दिन में ही खत्म कर दो, किंतु निश्चित रूप से वो हमारे जो टोकन मिले हुए हैं, ऐसे जो पुण्य की पूंजी मिली हुई है हमको, उस पुण्य की पूंजी को हम खर्चा करके आ जाते हैं। किंतु भागवत की कथा में आओ, श्री कृष्ण कथा में आओ, तो यहां पुण्य की पूंजी खर्च नहीं होती और बढ़ जाती है। ये पुण्या शब्द का अर्थ यही है, आपकी पुण्य की पूंजी बढ़ जाएगी। पुण्या है ना, पुण्य देने वाली है, ये आंख क्षीण होने वाली नहीं है। ब्रह्मन कृष्ण कथा पुण्या माधवीर लोकमलापह। और इसकी एक विशेषता और भी है, केवल ये पुण्य नहीं देती है, ये कथा पापों का हरण भी करती है। लोकमलापह, सब मल माने होता है पाप, ये कथा पुण्य की पूंजी बढ़ाती है और पाप की पूंजी घटाती है। इससे बढ़िया और कथा क्या हो सकती है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है, हमारे जीवन में पुण्य बढ़ जाए और हमारा मल पाप समाप्त हो जाए। और कोनु तृप्येत श्रृणवानः, राजर्षि परीक्षित गदगद होकर कहते, महाराज कौन सुनने वालों में कुशल होगा जो तृप्येत, तृप्त हो जाए कि बस अब हमको कथा नहीं चाहिए, अब हमको कथा नहीं चाहिए। क्यों भाई? श्रुतज्ञो नित्य नूतनाः, जो श्रुतज्ञ हैं, श्रुतज्ञ माने होता है सुनने के योग्य, अथवा जो सुनने वाले हैं, ज्ञस्त माने ज्ञान वाले, वो जानते हैं कि नित्य नूतनाः, ये कथा नित्य नवीन होती है। कोई ऐसी कथा नहीं है, विषय कथा यदि आप कथा करो तो नित्य नवीन लगेगी। अब 25 वर्ष थे तो लगभग हम ही लगे हैं, और आप लोगों को तो ठाकुर जी की कृपा से अभी तो दादा के यहाँ महीने में एक आध कथा सुनने को मिल जाती है, पहले तो साल में मिलती थी। ऐसे ही था कि नहीं था? पहले साल में मिलती थी, अब भरत भैया हमारे ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि महीने में मिल जाती है। तो महीने में मिल जाती है तो किंतु क्या यह तृप्ति हुई कि अब महीने मिल गई थी, अब इस दूसरे महीने क्यों सुनी जाए? नहीं होती तृप्ति। अगर ऐसी तृप्ति होने लगे, अभी कलकत्ता में एक बच्चे ने हमसे पूछ दिया, मुराज बोर वही रोज रोज कथा करते हो तो बोरिंग नहीं होता आपको? कहा कि वही कथा रोज रोज कृष्ण कथा तो आप बोर नहीं हो जाते हो, बोरिंग नहीं होती? हमने कहा हमको कभी लगती ही नहीं है। अब आपको सच बताएं, आज कथा करने के लिए बैठे हैं तो हमको लग रहा है मैं पहली बार कथा ये कर रहा हूं, इसके पहले कभी कथा की नहीं है। कारण क्या? एक विशेषता इसकी यही है कि श्रुतज्ञो नित्य नूतनाः, ये नित्य नूतन है। अच्छा कारण क्या है उसमें? कि भगवान की
महाराज ये मूर्ति है वांगमयी मूर्ति। तो यदि भगवान नित्य नूतन रहते हैं तो उनकी कथा नित्य नूतन रहेगी कि नहीं रहेगी? अगर ये कथा नित्य नूतन न रहे तो फिर भगवान की वांगमयी मूर्ति नहीं हो सकती। आप श्री कृष्ण को, अच्छा सच बताना, पिछले साल जो देखा था श्री कृष्ण को हमारे, आपको लगते हैं बूढ़े हो गए? आप जब देखोगे तब लगेगा कि पहली बार देख रहे। तो जैसे इनकी विशेषता है वैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण की, भगवान की कृष्ण कथा की विशेषता है। अरे महाराज, जीवन भर बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े रसिक पूरा जीवन गीत गाते हैं गोविंद का, तभी पूरा नहीं हो पाता है। और उनको लगता है कि हमने तो कुछ कहा ही नहीं। कारण क्या है कि इसमें विस्तार बहुत है इसका, इसलिए कौन तृप्येत श्रृणवानः श्रुतज्ञो नित्य नूतनः। ये श्रुतज्ञ व्यक्ति जानते हैं कि नित्य नूतन ये कथा होती है। अब हमारे श्री सुखदेव जी महाराज बोलना प्रारंभ करते हैं। ये प्रश्न हुआ, बड़ा अच्छा क्रम लिया है इन्होंने। एक श्लोक में दाऊ दादा का ब्याह, दो श्लोक में श्री कृष्ण का ब्याह और तीन श्लोकों में प्रश्न। बढ़ा रहे मामला, एक से दो में आए, दो से तीन में आए, और अब यहां से सुखदेव जी महाराज सुनाना प्रारंभ करते हैं जो बहुत रसीला प्रसंग है। राजा सीत भीष्म को नाम विदर्वाधिपतिर महान तस्य पंचाभवन पुत्राः कन्नैका च बरानना। राजासीत भीष्म को नाम, एक राजा है, राजा आसीत। राजा शब्द का सीधा साधा अर्थ तो यही समझते हैं कि जो प्रजा का पालन करे, राजते। तो ये जो राजा हैं ये कौन है? बोले भीष्मक जी महाराज। और भीष्मक जी महाराज के, महाराज यहां वर्णन किया इन्होंने, ये विदर्भाधिपति हैं, विदर्भ के अधिपति माने विदर्भ देश के राजा हैं। अधिपति शब्द कहने का अभिप्राय इन्होंने इसलिए लिया कि विदर्भ का पालन करते हैं। पति शब्द का अर्थ होता है पालन करने वाला। विदर्भ कोई सामान्य छोटा देश नहीं था, बहुत बड़ा देश, उसके पालन करने वाले। तस्य पंचाभवन पुत्राहा, वो राजा के पांच पुत्र हैं और एक कन्या भी है। कन्या का अर्थ यहां कन्या शब्द के साथ इन्होंने शब्द प्रयोग किया है, कन्यका च बरानना। बरानना का अभिप्राय आनंद माने होता है मुख, जिसका सर्वश्रेष्ठ मुख है। अच्छा, कहने का अभिप्राय इसमें, अब भाई बार हमारे श्याम सुंदर यदि नटवर हैं तो ये बरानना है, वो नटवर हैं तो ये बरानना है, ये भी बर से कम नहीं है जी, इसलिए सामान्य गुण दोनों में मिलते जुलते हैं। बरानना है सुंदर, आनंद वाली हैं, सुंदर मुख वाली हैं। बच्चों के इसमें नाम गिना दिए। अच्छा, बड़ा विलक्षण लगता है, सभी में, पांचों बेटों में और एक बेटी में रुक्म शब्द का प्रयोग है। रुक्म माने सोना होता है, रुक्म माने सोना। पांचों बच्चों में सोना का नाम है और बेटी में भी सोने का नाम है। और कलयुग में तो आप लोग जानते हो सोना कहाँ रहता है, सोना में कौन कौन रहता है। सोना किसी का निवास स्थान है, जिनके गले में पड़ा छुपाओ मत। कई लोग तो गले छुपाने लगे कि महाराज जी देखे नहीं कि मेरे गले में भी पड़ा हुआ है। छुपाने की जरूरत नहीं है किसी को भी, अब पड़ा है तो पड़ा है, क्या दिक्कत है उसमें। ये सोना में कलयुग का वास है और कलयुग का वास होने के कारण उसमें कलह के चांस ज्यादा है। कलयुग माने कलह का प्रतीक है ही। तो यहां जो वर्णन किया गया है, वैसे बात यह है कि भीष्मक जो है समुद्र है, और समुद्र नामई मुद्रा का होता है। समुद्र उसे कहते हैं जो मुद्रा सहित, मुद्रा के
सहित है, रत्नों के, उसका नाम रत्नाकर भी है। जो रत्नों का आकर है वो रत्नाकर है, और जो मुद्रा के सहित है सो समुद्र है। तो अब ये मुद्रा ही हैं सब जो निकले हुए हैं। कैसे कैसे मुद्राएं हैं इसमें सबके नाम गिना दिए गए हैं। इन्होंने कहा कि रुक्मी अग्रजा, सबसे बड़ा जो है रुक्मी है, जो अग्रज माने जिसका पहले जन्म हुआ है, अग्र माने पहले, जा माने जन्म, तो जो पहले जिसका जन्म हुआ उसका नाम अग्रज है। दूसरा है रुक्मरथ। ये रुक्मरथ का अभिप्राय, रथ तो आप जानते ही हैं, ये रथ शब्द का बड़ा विलक्षण प्रयोग है। आपको बताएं दशरथ के साथ भी रथ है, और दशमुख के महाराज दशरथ भी, ध्यान रखना दशरथ है वो भी उसके साथ रथ है। ये दस की संख्या के साथ, ये तो पांच है। ये जो रथ शब्द का प्रयोग है दशरथ, इसमें ध्यान रखने लायक ये है, दसों इंद्रियों को जो उसने रथ बना दिया है, किंतु रथ बनाकर के ले कहां जा रहा है, वह रथ बनाकर लेकर जा रहा है भगवान की ओर। तो यदि आप अपनी इंद्रियों को रथ बनाकर भगवान की ओर लेकर के जाएंगे तो राम जी जैसे पुत्र मिलेंगे, और यदि दस मुख बना दिया, ध्यान रखना, तो निश्चित रूप से पतन बनेगा, पतन कारण बनेगा। दस मुख माने जिसने दसों इंद्रियों को केवल भोग इंद्री बना दी है, केवल भोगने में लगा दिया, आंख को भोगने में लगा दिया, कान को भोगने में लगा दिया, नाक को भोगने में लगा दिया। अभी आप लोग अपने यहां जैसे ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं, यहां दस मुख नहीं है आप लोग, यहां आप सब दशरथ हैं। कान भी आपके कृष्ण कथा में लगे हुए हैं, आंख भी ठाकुर जी के दर्शन में लगी है, नासिका आदि भी उधर ही लगे हुए हैं, आपके त्वग इंद्री भी स्पर्श आदि, तो वो भी भगवत स्पर्श ही है। तो इस विचार करने लायक पहला जो पुत्र है इनका है रुक्म रथ, माने सोने का ही जो इसका रथ है वो रुक्म बाहु। बाहु माने हाथ होता है, बाहु माने बल भी है। जो ये काम करना चाहता है, कराना चाहता है, वो केवल पैसे के आधार पर ही, धन के आधार पर ही कराना चाहता है। और हमारे रुक्म रथ, रुक्म बाहु, रुक्म केश, इसके जो केस है ना, सौंदर्य है ना इसका, हमारे यहाँ केस को सौंदर्य के रूप में माना जाता है। तो केस माने बाल भी हैं, वैसे तो सुनहरे बाल हैं इसके, ये भी मान सकते हैं, अथवा इसके सौंदर्य का हेतु जो है वो धन ही है। और रुक्म माली, ये मानो इसने बगीचा ही सोने का लगा रखा है, सब कुछ सोने को ही संभालने में लगा हुआ है। ये पांच हैं। अच्छा, उसमें से जो चार है, चार तो श्री कृष्ण के भक्त हैं, ये चार श्री कृष्ण के भक्त हैं, और एक जो रुक्मी है वो विरोधी है। पद्म पुराण में इसका वर्णन भी है कि रुक्मी विरोधी क्यों है, किंतु वल्लभाचार्य जी महाराज के आधार पर इस चरित्र का यदि हम सब विचार करेंगे तो मुझे बहुत अच्छे ढंग से इसको आपको समझ में आ जाएगा। वल्लभाचार्य जी महाराज मानते हैं कि लक्ष्मी जो है वो भगवान की माया है, और माया कृपा दंभे च, कृपा अर्थ में भी है, दंभ अर्थ में भी है। तो मानो यहां तो आप कृपा अर्थ में लीजिए माया, किंतु निश्चित रूप से माया के जो पांच पर्व हैं, पंच पर्वा अविद्या बोलते हैं इसको, पंच पर्वा अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो जो अस्मिता है, अभिनिवेश है, इनको सबको समझना पड़ेगा। हम विस्तार समझाएंगे तो आप लोग सोचोगे वेदांत सुनाने लगे, इन पांचों पर विचार करोगे तो रुक्मिणी समझ में आ जाएंगी, और इन पांचों की विशेषता समझ में आ जाएगी। ये जो सबसे पहले क्रम में यदि लेंगे तो अस्मिता क्या है, अभिनिवेश क्या है, अभिनिवेश अस्मिता जो है ना, ये अविद्या क्या है, अविद्या है, अस्मिता है, राग और द्वेष है, ये पांचों के पांचों माया के ही लक्षण हैं। इसलिए पांच पुत्र हैं इनके, किंतु अभिनिवेश का विरोधता होता है हमारे अंदर किसी दूसरे का प्रवेश हो जाए,
आप लोगों के यहाँ सिंधियों में तो मैंने नहीं देखा, यहाँ कोई मारवाड़ी माताएं बैठी हों तो नाराज न हो, मारवाड़ियों में हमने बहुत देखा, कथा हो रही हो, नाच गाना हो रहा हो, तो उस समय उनमें देवी आ जाती हैं, किसी में दादी आ जाती हैं, कभी देखा है आप लोगों ने? माताजी आ जाती हैं, मैं माताजी को प्रणाम करता हूँ। अभी हमारी अजमेर में कथा थी तो कई लोगों में गंगा जी आ गई, वो शोभा यात्रा में गंगा जी आ गई, तो गंगा जी जैसे वो कलश लेकर के आ रही थी तो थोड़ा थोड़ा जल गिराने लगी और गंगा जी बह रही है। अब वो जब आ गई तो सब लोग महाराज शोभा यात्रा छोड़ करके उनको प्रणाम आदि करने लगे। ये अभिनिवेश है कुछ और बन कुछ जाना, किसी के अंदर किसी दूसरे का प्रवेश हो जाना, इसका नाम अभिनिवेश है। अब जैसे ये हमारा आपका शरीर है, ये जो शरीर है इसके अंदर जो प्रवेश हो गया, कौन प्रवेश हो गया? ऐसा प्रवेश हुआ कि उसने यही स्वीकार कर लिया कि मैं ही शरीर हूं, और सारे के सारे झमेले यहीं से प्रारंभ होते हैं। जो हम हैं नहीं वो हम अपने को मान करके बैठ गए हैं। अब जरा विचार करना, कभी ये रुक्मी ये था नहीं जो अपने को मानता था, ये तो श्री कृष्ण का साला था और चंद्रमा का भाई था। जो चंद्रमा का भाई है वो प्रकाशवान होना चाहिए और प्रकाशवान वालों लोगों का साथ होना चाहिए, और इसका महाराज ऐसा ही शिशुपाल से मित्रता हो गई, अमुक से मित्रता हो गई, और इसका दुराग्रह था, इसका भी सुनने को आपको मिलेगा। सोपश्रुत्य मुकुंदस्य रूप वीर गुणाश्रिय गृहागतैर गीयमानस्तम मेने सदृशम पतिम। सोपश्रुत्य मुकुंदस्य, अच्छा राजा भी हमारे भीष्मक भी भगवान के बड़े प्रेमी थे, परम भागवत थे, और उस समय हमारे श्री कृष्ण की इतनी चर्चा थी चारों तरफ कि घर में जो भी आता था, यहां लिखा गृहागत ही आधिमानस, हमारे घर में जो भी आया अतिथि आया, वैसे श्रीधर स्वामी पाद ने तो अर्थ इसका यही किया है कि नारद जी आकर के कथा सुनाया करते थे, नारद जी जब भी आते थे तो श्री कृष्ण की चर्चा सुनाते थे, किंतु मूल में तो ये वर्णन है कि जो भी अतिथि आते थे वो श्री कृष्ण की ही चर्चा सुनाते थे। जो बहुत ज़्यादा विख्यात हो जाता है उसकी लोग चर्चा करते हैं, और उस चर्चा में होता क्या था श्री कृष्ण का, महाराज मुकुंदस्य रूप वीर गुणाश्रियः मुकुंदस्य चरितम, मुकुंद नाम हमारे जीवनधन श्री कृष्ण का है, किंतु मुकुंद इनको कहते क्यों हैं? मुँह माने मुखे, कुंदवत हासो यस्मात, जिसके मुखार बिंद में सदा सर्वदा कुंद कली के समान मुस्कान बनी रहे। जैसे हमारे दादाजी का चित्र देखो तो मुस्कराते रहते हैं कि नहीं, जो सदा मुस्कराता रहे, जिसके मुस्कान में कभी थकान न पड़े, उसका नाम मुकुंद। अथवा मुँह मुक्तिम द्यति, जिसको देख करके मुक्ति की इच्छा समाप्त हो जाए, मतलब श्री कृष्ण को यदि कोई देख ले तो फिर ये नहीं कहेगा कि हमको मुक्ति चाहिए, वो कहेगा हमको श्री कृष्ण चाहिए। इसलिए तो हमारे ब्रजवासी कहते हैं मुक्ति नौन सिखारी लागे। अब भाई मुक्ति नौन सिखारी क्यों लगेगी? क्योंकि श्री कृष्ण इतने रसीले लगते हैं, उनका मुखारविंद देख करके उनको पाने का मन इतना उत्कट हो जाता है कि अन्य चीजें अब हमको भाती नहीं है। अथवा तीसरा अर्थ और भी है, मुँह मुक्तिम ददाती, जो मुक्ति देता है, किससे मुक्ति देता है? दुख से, अशांति से जो हमको देता है मुक्ति। अच्छा इनका यश बताएं क्यों इतना फैल गया था,
यह चर्चा क्यों फैल गई थी, कारण क्या था। लोग तो कहते हैं कि श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ तब पड़ा जब श्री कृष्ण ने रण छोड़कर भागे। ऐसा नहीं है। हमारे द्वारिका वाले लोग ये कहते हैं कि श्री कृष्ण का रणछोड़ नाम तब पड़ा जब महाराज जरासंध जैसे लोगों को रण छुड़ा दिया। एक दो बार नहीं, 17 बार जिसने रण छुड़ाया हो, रण से भगाया हो, ये उनका वीर था। वो रण छोड़ तो बाद में ऐसे रण, इतने दुष्टों को रण छुड़ाया इसलिए नाम रण छोड़ है उनका, ये भाग गए इसलिए रण छोड़ नाम नहीं उनका। अगर भागे होते तो अपकीर्ति होती कि नहीं? भागना तो अपकीर्ति और भगा देना कीर्ति है, तो भगवान की कीर्ति चारों तरफ फैल गई थी। तो जो भी महाराज जाता था उस समय चर्चा का विषय, जैसे आज किसी सभा में बैठ जाओ, मैं देखता हूं, हंसता हूं कई बार, हमको तो जो भी मिलने आता है ना, अभी आज कल भी एक सज्जन मिलने के लिए आए घर में, वहां आज भी एक सज्जन मिलने के लिए आए, तो एक सज्जन कल हमारे मोदी जी की निंदा करके गए, आज अपनी प्रशंसा करके गए, और आज एक निंदा करके गए, तो हम दोनों की सुन रहे थे, तो हम सोचे दोनों कहीं ना कहीं घायल हैं। तो अभी दुनिया में जहां कोई चर्चा होती ना किसी की भी, अब देखो ये बूढ़े बूढ़े लोग भी घूमने जाते ना और बैठे हों, थोड़ा भी चर्चा इनके मुख से सुनो, तो जो चर्चा का विषय बन जाए, किसी न किसी बहाने से चर्चा का विषय बन जाए, तो वहां जो भी जाते थे तो क्या करते थे, मुकुंदस्य रूप वीर गुणाश्रियः, पहली बात तो भगवान के रूप का वर्णन करते थे। ऐसा लगता है कि ये रूप का वर्णन जो है ना वो गोकुल और वृंदावन का है, और वीर का वर्णन द्वारिका का है, और जो गुण का वर्णन है ना वो नहीं मथुरा का है, वीर का वर्णन, वीरता युद्ध किया ना, और जो गुण का वर्णन है वो द्वारिका का है भगवान के। अथवा तीनों ले लीजिए, अलग अलग ढंग से इनको लीजिए। रूप का वर्णन ऐसे करते हैं कि हमारा सचमुच में भगवान का रूप ऐसा है कि सर पर चढ़कर के बोले। कवितावली रामायण में वर्णन है कि एक नागरी दूसरे नागरी से मिली, ये रूप का वर्णन है। एक नागरी दूसरी नागरी से मिली तो आंखों में आंसू भरे थे। दूसरी नागरी ने कहा जो मिली थी, रो क्यों नहीं बाबरी, बोले अवधेश के द्वारे सकारे गई। आज प्रातःकाल राजा धीराज सिंह दशरथ जी महाराज के दरबार में गई। अवधेश के द्वारे सकारे गई, सुत गोद कले भूपत निकशे। अपने लाल को लेकर के राजा धीराज सिंह दशरथ जी महाराज निकल पड़े। तो दूसरी सखी ने यही कहा, कौन सा चमत्कार है, रोज की दशा आई है। बोले अवलोक हो सोच विमोचन को, जब मैंने उनको निहारा तो ठगी सी रही, मैं तो सर्वस्व निछावर कर आई। किंतु एक बात कहूं, ये मत समझ लेना कि जो उनको देख करके अपने चित्त को संभाल सके वो बुद्धिमान है। वो तो कहती ठगी सी रही, जे न ठगे धिकते। उनको निहार करके जो अपना चित्त संभाल कर रख सके उन्हें धिक्कार है। अभिप्राय ये है कि उनको निहार करके फिर चित्त सुरक्षित रहने वाला नहीं है। और महाराज देखिए, और रूप माधुरी उनकी सुनिए। तो राम जी के रूप में थे, अभी कृष्ण की रूप माधुरी सुनाएंगे। रामचरितमानस में वर्णन है कि जिस समय हमारे श्री राघवेंद्र सरकार के रूप को सर्प ने देखा, बिच्छू ने देखा, तो उन लोगों ने रूप को, महाराज रूप निहार करके अपने जहर का परित्याग कर दिया। अच्छा, खरदूषण भी आए। खरदूषण जब अपनी बहन को नक्कटी देखा तो खरदूषण ने आकर के सोचा कि राम जी को मार देंगे। किंतु जब खरदूषण ने राम जी को देखा तो उनके मुख से निकल गया, यद्यपि हमारी भगनी को इन्होंने कुरूप बना दिया है, किंतु बद लायक नहीं पुरुष अनुपा।
ये वध लायक नहीं है। अच्छा भाई, मनुष्य, चलो मनुष्य को देखकर सजाति सजाति के प्रति आकर्षित होता है, यह नियम है। जैसे स्त्री पुरुष को देखकर आकर्षित हो, पुरुष स्त्री को देखकर आकर्षित हो, किंतु कोई कुत्ते को देख करके तो आकर्षित नहीं होगा पुरुष, क्योंकि वो सजाती नहीं है। दया आएगा उसमें, दया का भाव जग सकता है, किंतु अब जरा विचार करना राम जी के सौंदर्य की क्या विलक्षणता है। ऐसा विलक्षण सौंदर्य, हम तो कई बार बलिहार होते हैं सौंदर्य पर। राम जी ने जब नल नील के माध्यम से पुल बंधवाया समुद्र में, आप लोग कभी देखना जब कोई बड़ा आदमी आता है तो साथ में सब चलना चाहते हैं कि शायद हमारी भी फोटो आ जाए। अभी प्रधानमंत्री आ जाए ना यहाँ पर, तो महाराज सब चाहेंगे कि हमारी फोटो आ जाए, हम पीछे नहीं रहने चाहिए। वो हमारी कथा थी एक जगह, वहाँ प्रधानमंत्री का आना हुआ, तो मैं आपको क्या बताऊँ, मैं बड़ा आश्चर्य लग गया मुझे। एक अंधे महात्मा थे, बड़े प्रसिद्ध हैं, वो भी सब कोई हटाए तब भी वहां से नहीं हटते थे। तो हमको लगा कि अगर इनकी फोटो आ जाएगी तो ये तो देख तो पाएंगे नहीं बेचारे, किंतु तब भी लगता है कि हमारी फोटो इनके साथ आ जाए। तो बंदरों का भी यही खेल था, बंदरों ने सोचा कि सब हम साथ चले, भगवान का सानिध्य भी चाहिए था। अब वो पुल इतना चौड़ा तो था नहीं कि सब साथ चल सके, एक एक दो दो चार चार स्वास्थ्य चल सकते, पीछे नहीं चलना पड़ेगा लंबी लाइन में। और कई बंदर तो महाराज भगवान के रूप को देखकर तृप्त तो होते ही नहीं थे, तो आगे चढ़कर मुख मुख, कई तो उल्टा भी चलते थे कि कम से कम मुख तो दिखे हमको, नहीं तो उतनी देर हम मुख नहीं देख पाएंगे। तो भगवान ने विचार किया क्या करें, तो हमारे श्री ठाकुर ने सोचा कि मैं कुछ करता हूं। भगवान ने ऐसा सौंदर्य उत्पन्न किया अपना, तुलसीदास जी महाराज दिखते हैं, देखन कह प्रभु करुणा कंदा, देखन कह प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जलचर वृंदा। भगवान को देखने के लिए, उनके रूप को देखने के लिए सब जलचर प्रगट हो गए, मगर प्रगट हो गए, मछलियां प्रगट हो गई, बड़े बड़े तिमिंगल प्रगट हो गए। और अब जब प्रकट होकर के भगवान के रूप को देखने लगे, तो बाबा हमारे लिखते हैं टरई न टारे। अब महाराज वो हिलते नहीं थे, तो हमारे संत कहते थे कि नल नील ने तो एक पुल बनाया था और भगवान के सौंदर्य ने दो पुल बना दिए, एक इधर पुल एक इधर पुल, और सारे के सारे बंदर भालू उछल उछल करके उन तिमिंगलों के ऊपर से जा रहे हैं, मगर के ऊपर से बंदर जा रहा है, और वो टरे ही न टारे, मगर के ऊपर बंदर जाए तो छोड़ देगा क्या वो, किंतु भगवान के रूप में इतना दीवाना है, इतना दीवाना है वह मगर कि टर नहीं, इधर उधर टारे नहीं टर रहा है, उसको लगता है रूप देख ले। तो ये भगवान की रूप माधुरी। तो जब महाराज रूप और वीर्य, वीर माने होता है पराक्रम, देखो भाई ध्यान रखना, मधुर रस का सहयोगी रस है वीर रस। कायर के प्रति, भगोड़े के प्रति दया आ सकती है किंतु प्रेम नहीं आता है। दया और प्रेम में बहुत फर्क है, लोग समझते हैं कि दया ही प्रेम है, प्रेम दया नहीं है, प्रेम का स्वरूप अलग है। जब भी प्रेम जगत प्रकट होता है, मधुर रस प्रेम, तो वो वीरता के साथ प्रकट होता है और कायर के प्रति नहीं होता है। इसी मनोविज्ञान को हमारे फिल्म वाले दर्शाते रहते हैं, आप देखना इसी मनोविज्ञान को कैसे दर्शाते हैं। वो हीरो जब हीरोइन को क्या करना चाहता है, लुभाना चाहता है, तो क्या करता है, किराए के ले जाता है टट्टू खरीद करके, और महाराज वो हीरोइन के सामने, हीरो दो चार लड़कों को किराए के होते हैं, सब सिटिंग होती है, वो मार कर भगाया, तो जो मार करके भगाया तो हीरोइन तुरंत प्रसन्न हो जाती कि वीर है ये, अब हो चाहे भले ही कायर, किंतु वीरता के प्रति आदर आ गया कि नहीं आ गया, वीरता के प्रति आकर्षण आता है। ये भगवान की बड़ी बड़ी भुजाएं देख करके क्यों प्रेम जागृत हो जाता है,
क्योंकि रक्षेति इति भावः हमारी रक्षा करेंगे। हमको सबको निश्चित रूप से कवच हम क्यों खोजते हैं? अच्छा, कभी कोई भी स्त्री हो, कायर पुरुष को तो अपना पति नहीं बनाना चाहेगी, खा पुरुष को थोड़ी पति बनाना चाहेगी, वह ऐसा पति का वरण करना चाहेगी जो वीरवान हो, पुरुषार्थी हो। तो निश्चित रूप से वो महाराज रूप की चर्चा वहां होती थी और वीर की चर्चा होती थी, पुरुषार्थ की चर्चा होती थी कि कैसे श्री कृष्ण युद्ध करते हैं, कैसे वहां चर्चा लोग आके बता देते थे, कैसे गिरिराज महाराज उठा लिया, कैसे तृणावर्त को मार दिया, कैसे सकटासुर को मार दिया, कैसे कंस को, इतना बलशाली था, लोग आकर के बताते थे कि महाराज कुबलया पीढ़ हाथी जब चलता था तो पृथ्वी हिलती थी और उस हाथी को श्री कृष्ण ने खेल खेल में मार दिया। वीर की चर्चा है और उनके गुणों की चर्चा, ये जो गुणों की चर्चा है ना महाराज, ये गुण तो भगवान की सबसे विशेष है। इसलिए हमारे कई टीकाकारों ने यहां तक कहा कि बड़े बड़े महात्माओं को भी गुण खींच लेते। अच्छा, गुण माने रस्सी भी है, इसलिए श्रीनाथ जी महाराज के हाथ में रस्सी रहती है। श्रीनाथ जी का जब दर्शन आप करेंगे तो एक हाथ में उनकी रस्सी रहती है, श्रीनाथ जी की। तो ये गुण है, रस्सी है। तो गुण की चर्चा अथवा इनकी विशेषताएं जो हैं, कृष्ण की एक विशेषता नहीं है, अनेकानेक विशेषताएं हैं। अनेकानेक विशेषताएं कैसे, अब जरा विचारिए, गुण नहीं तो क्या है? जो राजाधिराज का उत्तराधिकारी है, साक्षात राजा बनने वाला है, वो कुबजा जैसी स्त्री को प्रेयसी बना ले, आप जरा विचार करना, बदनाम स्त्री को कोई अपनाना चाहता है? नहीं अपनाना चाहता। जिसके जीवन में कलंक लगा हो, और हमारे सुखदेव जी महाराज ने तो कुबजा को दुर्भगा कहा है, और यहां तक कहा कि उस उनके यहां तो महाराज अतिथियों का निवास स्थान था, यात्री आके रुकते थे। ऐसी कुबजा को भी जिन्होंने अपनी प्रेयसी बना लिए, गुण है ठाकुर जी के, ये ठाकुर जी की विशेषताएं हैं। और महाराज वहां जाकर के अध्ययन करने के लिए गए तो वहां गुरुपुत्र को ला करके दे दिया, ये सब वीरता भी है, इनके गुण भी हैं। तो गुण की, और चौथा जो इनकी विशेषता है, ये लक्ष्मीवान भी हैं। देखो भाई, बात ये है, सारे गुण आ गए, कन्या भरयते रूपम, माता वित्तम, पिता कुलम। जब ब्याह का निश्चय होता है ना, तो हमारी बहनों की दृष्टि कहाँ होती है? अरे सबने किया है, अब भले बहन नहीं माताजी हो, किंतु निश्चय यही होता है कि हमारा होने वाला पति सुंदर होना चाहिए, क्या बोलते हैं, हैंडसम। अच्छा, हैंडसम होना चाहिए। और मम्मी क्या चाहती है? माँ चाहती है कि भले थोड़ा रंग दबा हो, किंतु घर में माल खूब होना चाहिए, माल खूब होना चाहिए। हमारे यहाँ एक परंपरा है, हैं तो हमारे सब सिंधी लोग हैं, श्रीधाम वृंदावन में भक्त कोकिल की परंपरा, बहुत दिव्य परंपरा है। वहाँ की परंपरा में एक इतनी विशेषता, आपको क्या कहें, वहाँ के जो भक्त कोकिल थे, मीरपुर के थे संत, वो कहते थे संतों से कुछ पूछो मत, संतों से कुछ मांगो मत। तो क्या करें, कहा संतों को प्रसन्न करो, और संत प्रसन्न हो जाएगा तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो संत हंसा तो भगवंत फंसा, संत हंसा तो भगवंत फंसा। तो हम लोग कभी कभी जाते हैं, अभी तो अब तो हम खूब आनंद ले लेते हैं उनकी हंसी का, पहले गुरुजी के साथ जाते थे तो आनंद नहीं ले पाते थे, वो छुप करके हंसते थे, गुरुजी के सामने खुलकर कैसे हंसे। तो वहाँ एक माताजी सुना रही थी कि एक सिंधी बालक की विवाह की तैयारी हुई, और जब विवाह की तैयारी हुई तो दो लड़कियाँ आईं, और एक लड़की महाराज सांवरी थी, किंतु उसका पिता 2 करोड़ रुपया दे रहा था ब्याह में, और जो महाराज गोरी थी उसका पिता थोड़ा कम पैसा, 50 लाख ही दे रहा था।
तो माँ ने अपने बेटे से पूछा, आप सिंधी बालक, पूछा कि भाई काले में इतना मिल रहा है, गोरी में इतना मिल रहा है। उसने कहा काली वाली को कन्फर्म कर दो। तो मम्मी ने कहा बात क्या है, बोले चाहे काली हो चाहे गोरी हो, अंधेरी में तो एक ही जैसे दिखती है, वो तुम्हारा केवल पैसे पर दृष्टि है, उसको अलग अलग नहीं चाहिए। कहा वो तो हमको पैसा चाहिए। तो महाराज वो इतना हंसाते हैं आपको क्या कहें, हम लोग तो हंस हंस के लौट जाते हैं वहां जब जाते हैं ना। तो उनका तो मानना है कि कैसे भी संत हंस जाएं। तो माता वित्तम, माँ का जो दृष्टि होती है वो धन पर दृष्टि होती है। धन पर दृष्टि इसलिए होती है कि माँ चाहती कि धन होगा तो घर में नौकर होंगे, घर में सुविधाएं होंगी, तो बेटी को काम करना नहीं पड़ेगा। और यदि घर में धन नहीं होगा तो हमारी बेटी को ही काम, ये दृष्टि और कोई दृष्टि नहीं है। माँ की दृष्टि है कि बच्ची हमारी सुखी रहे, आनंद में रहे। और पिता कुलम, पिता कुल चाहते हैं कि कुलीन बालक होना चाहिए, क्योंकि वो सुख का संबंध हमारे संस्कारों से है, जिस संस्कारों में हम पले हैं। आपको बजाय भोजन का कोई स्वाद नहीं होता है, लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। हमने बचपन से जो भोजन पाया है वही स्वादु होता है, जो हमारी जीभ पहचानती है। कोई भोजन वोजन का अलग स्वाद नहीं होता है। आपको बताएं, जो बिना चीनी की चाय पीते रहे हो उनको हमारा चीनी वाली पिला दो तो बमन कर देंगे। अगर चीनी में स्वाद हो तो सबको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? वो तो जो हमको सेट हो, तो जैसे हमारी कुल परंपरा होती ना, उस परंपरा के आधार पर ये क्यों देखा जाता है? क्योंकि हमारा भोजन मिलेगा उसके आधार पर, हमारी सोचने की शक्ति उस आधार पर मिलेगी, नहीं तो सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। और सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा तो हम सुखी नहीं रह पाएंगे। तो यहां पर रुक्मिणी माता जी सुनती हैं सबसे, जो लोग आकर के महाराज बताते हैं कि उनके रूप का, वीर का, गुण का, और लक्ष्मीवान भी स्त्रियां हैं। तो महाराज उन्होंने निश्चित कर लिया, मैंने सदृशम पतिम, ये मेरे अनुकूल यही पति हो सकते हैं। उनके वीरता को सुनकर, उनके रूप को सुनकर के, उनके गुण को सुनकर के, उनके वैभव को सुनकर के उन्होंने निश्चय किया है। और जब माँ रुक्मिणी की निश्चय करती हैं तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम। आप इधर भगवान को चाहो उधर भगवान आपको चाहने लगते। पत्र तो बाद में गया है, ब्राह्मण तो बाद में पहुंचा है, किंतु उसके पहले श्री कृष्ण ने इनको अपनी पत्नी मान लिया है। उधर से स्वीकृति हुई तो इधर ठाकुर जी ने स्वीकृति दे दी है। इसकी चर्चा भी हम 5-10 मिनट के बाद करेंगे। हमारे श्री राधिका शरण जी आ गए, हम लोग इनका आनंद ले लेते हैं। आज ट्रेन लेट हो गई इसलिए आने में देरी हो गई। अभी हमारे श्री राधिका शरण जी सुनाएंगे, उसके बाद हम शेष भावों को अभी रखेंगे। पहले श्री राधिका शरण जी। ब्रज के नंदलाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला राधा जी के सांवरिया,
सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। बन गया अमृत में विष का प्याला। बन गया अमृत में विष का प्याला। कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला जब तेरे गोकुल पे आई विपदा भारी। जब तेरे गोकुल पे आई विपदा भारी। एक इशारे पे सारी विपदा टारी। एक इशारे पे सारी विपदा टारी। मुड़ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला
में श्याम बसे मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी। सुत विसराए गई मुरली की धुन प्यारी, सुत विसराए गई मुरली की धुन प्यारी। मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। कब दर्शन दोगे अखियों के तारे, कब दर्शन दोगे अखियों के तारे। अधर पे मुरली है, कांधे पे कामरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। गाइए ब्रज के नंदलाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला हमारे धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। प्रेम से पुकारिए परम धन राधा 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 राधा, परम धन जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा, प्राण धन मस्ती में झूमते हुए हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, कान्हा की प्यारी राधा 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 राधा, कान्हा की प्यारी वृषभान दुलारी राधा 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 राधा, वृषभान दुलारी बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा, बरसाने वाली राधा रंगीली प्यारी राधा 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 राधा, रंगीली प्यारी राधा।
छवीली प्यारी राधा 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 रसीली प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा रसीली प्यारी जय हो हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा भाव से ताली बजाते हुए परम धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। संसार में प्रेम करने के लिए चाक्षुषः प्रथमा रागाः, यदि सामने वाले की आंखों से अपनी आंखें टकरा जाएं और उसके अंतःकरण में प्रेम हो तो निश्चित रूप से वो प्रेम अपने आंखों के माध्यम से अपने अंतःकरण में भी आ जाता है। ये सांसारिक प्रेम है, किंतु भगवदी प्रेम जो है या निश्चित रूप से भगवदी लोगों के मुखारविंद से भगवदीय गुण सुन करके भगवान से प्रेम हो जाता है। तो विदर्भाधिपति श्री भीष्मक जी महाराज के यहां जो भगवदीय जन जाते थे वह भगवान के गुण सुनाते थे, भगवान के रूप की चर्चा करते थे, भगवान के वीर की चर्चा करते थे, भगवान के उदारता की चर्चा करते थे और भगवान के वैभव की चर्चा करते थे कि उनके पास कितना वैभव है, श्री कितनी है। रुक्मिणी ने ये सब सुना और सुन करके उन्होंने मन ही मन श्री कृष्ण का वर्ण कर लिया, क्योंकि उनके प्रति राग हो गया। अब देखिए मनमोहन हमारे कैसे मन से पकड़ते हैं, मनमोहन है ना, तो लीला से गुणों से तो पकड़ लिया, किंतु श्री कृष्ण ने भी निहारा, श्री कृष्ण ने भी विचारा। ताम बुद्धि लक्षण उदार्य रूपशील गुणाश्रयाम, चार बातें श्री कृष्ण में है तो चार बातें रुक्मिणी माँ में भी है। कौन कौन सी चार बातें हैं जो श्री कृष्ण ने देखा, चार बातें श्री कृष्ण में संतों के मुखारविंद से सुनी उन्होंने। पहला तो रूप गुण सुना, ये पहला है। दूसरी उनकी वीरता सुनी कि वीर हैं, बचपन से जो जो कहानी सुनी, कथाएं सुनी, सब में श्री कृष्ण की वीरता का लक्षण वर्णन होता है। इसलिए ईश्वर साहस्यम रास पंचाध्याय में कहा गया कि रास का जो महाराज रचना था वो भी वीरता का ही द्योतक था। कोई कायर पुरुष थोड़ी ऐसा काम कर सकता था, समाज का डर लगता उसको, स्त्रियों का डर लगता, किंतु भी मारा ईश्वराणाम च साहसम, वो भी वीरता है। तो ये सब कथाएं रुक्मिणी माँ ने सुनी थी। तो पहला गुण उन्होंने रूप सुना, दूसरा गुण उन्होंने वीरता का सुना, और तीसरे गुण उनके जो स्वयं अपने गुण हैं, निजजन गुण हैं, वो भी सुने, और लक्ष्मी का आश्रय श्री आश्रिता। अब चार गुण भगवान ने भी उनमें देखे। ताम क्या क्या गुण उसमें हैं, सबसे पहला गुण है बुद्धि का। भाई ध्यान रखना, बुद्धिमान व्यक्ति के साथ मित्रता भी अच्छी है, दुश्मनी भी अच्छी है, और मूर्ख व्यक्ति के साथ न मित्रता अच्छी है न दुश्मनी अच्छी है। अब मूर्ख व्यक्ति यदि होगा तो उसकी दुश्मनी का स्तर मूर्खता का होगा कि नहीं होगा, अगर बुद्धिमान व्यक्ति है तो
यदि आपके साथ दुश्मनी भी करेगा तो निश्चित रूप से उसी स्टैंडर्ड की दुश्मनी होगी, छोटी छोटी बातें नहीं आपके साथ उछालेगा वो। तो बुद्धिमान व्यक्ति साथ में रहे ये उपयोगिता है। तो भगवान ने पहली बात देखी उनमें कि उनमें बुद्धि बहुत है, बुद्धिमान थी रुक्मिणी, उनकी बुद्धि की चर्चा हम करेंगे। ऐसी कुशल बुद्धिमान थी, उनकी बुद्धि का विलक्षण विचार विलक्षण इतना है कि भले गांधर्व विधि से ब्याह किया है किंतु रणांगन उन्होंने अपना घर का आंगन नहीं बनाया, रणांगन भगवती का आंगन बनाया, ये भी उनकी बुद्धिमत्ता थी। जानती थी कि अपन अब बुद्धिमान व्यक्ति अपने घर को थोड़ी युद्ध स्थान बनाएगा, खतरा ही खतरा है, तो माँ का स्थान बनाया कि करुणा भी बनी, ये बुद्धिमत्ता है। तो भगवान ने पहला गुण उनमें क्या देखा कि वो बुद्धिमान है, बुद्धि लक्षण। दूसरा गुण है उनका उदारता। और सचमुच में रुक्मिणी से ज्यादा कोई उदार नहीं है, ये राधा के अंश हैं। इसलिए श्री किशोरी जितना उदार हैं तो उतना रुक्मिणी भी उदार है। उदार शब्द का अर्थ होता है उत ऊर्धम ददाति सा उदारः, जो अपने सामर्थ्य से ज्यादा दे सके उसका नाम उदार है। अब जैसे हमारे पास करोड़ों रुपए है और हम किसी को 10 रुपया दे दे तो हम उदार नहीं है, वो तो सामान्य बात है। हमारे पास करोड़ और हम करोड़ से ज्यादा 2 करोड़ देने का मन रखते हो, अपने सामर्थ्य से ज्यादा देने का मन। हमारे महाराज जी सुनाते थे, उनकी वंश परंपरा हमारे परिवार आश्रम में है। हमारी आदरणीय चांदनी माँ तो जाती रहती, जो उमा है नौकरानी, उसके पिताजी वो बाबा के यहाँ काम करते थे आश्रम में, ये वंश परंपरा से हमारे यहाँ सेवक हैं लोग। तो उनके पिताजी जब जाते थे सब्जी खरीदने के लिए आश्रम के लिए, और कोई दीन दुखी व्यक्ति मिल जाता था तो सब्जी का पैसा भी उसको दे आते थे, और लौट करके आ करके व्यवस्थापक से कहते थे कि हमको रुपया लाओ, सब्जी लाना है। तो डांटता था, तो कहते थे डांटते क्यों, हमारी पगार से काट लेना। तो जब पगार देने का समय आता था तो उनके पास कर्जा ही होता था, वो कभी उनको पगार मिलती नहीं थी। तो बाबा कहते थे ये उदार है, हमारे पास देने का सामर्थ्य नहीं है। अब जैसे कभी आप देखें कि कोई व्यक्ति ठंड से कांप रहा है और हमारे पास एक ही कपड़ा है, किंतु अपने को लगे कि हम इसको दे करके भी अपने को स्वस्थ रख सकते हैं, तो अपना कपड़ा उतार कर दे देना, इसका नाम उदारता है। अपने सुख को भी दूसरों को दे देना, और ये रुक्मिणी में उदारता थी। अगर रुक्मिणी में ये उदारता न होती तो कोई भी स्त्री ये काम नहीं कर सकती है, निस्वार्थ काम। हमने पुराणों में पढ़ा है कि जब जामवती को लेकर श्री ठाकुर आए तो जामवती तो रीच की बेटी थी, उसको ना कपड़ा पहनना आता था, ना बाल संवारना आता था, ना राजकुल में रहना आता था, ना बोलना आता था उसको, सब कुछ रुक्मिणी ने सिखाया। और क्या क्या श्री कृष्ण को पसंद है, कैसा कपड़ा पहनना पसंद है, कैसा बोलना पसंद है, कैसा चलना पसंद है, वो सब उन्होंने सिखाया। तो ये उनकी उदारता है। तो पहला गुण श्री कृष्ण ने देखा कि ये बुद्धिमान है, और दूसरा गुण देखा उनका कि उदार है, औदार्य गुण है इनका, कि अपने थाली का भोजन भी ये दूसरों को खिला सकती है, दूसरों का ध्यान रख सकती है, ये उदारता देखी। और तीसरा गुण उनका देखा रूप। अच्छा, कई बार ऐसा नहीं होता कि जो सुंदर हों उदार हों, कई लोग शरीर से तो सुंदर होते हैं किंतु मन के सुंदर नहीं होते हैं। रुक्मिणी शरीर से भी बहुत सुंदर थी, ऐसा नहीं कि किसी पटरानी से कम थी वो, जितनी भगवान की पटरानी आई उसमें किसी से कम नहीं थी वो, परम सुंदरी थी। और तीसरा चौथा उनका जो गुण है, नारायण ये गुण होना चाहिए, ये है सील का गुण। ये सील किसे कहते हैं, यही गुण परिवार को बांध करके रखता है,
संबंध को बांध करके रखता है। मैं कई बार लोगों को कहता हूं दुर्गुणों में बहुत एकता है, दुर्गुणों में बहुत एकता है। कैसे एकता है? यदि आपके जीवन में काम आ जाए, एक काम आ गया तो क्रोध को, लोभ को, मोह को, सब को बुला लेगा। ये दुर्गुणों की मित्रता है। जैसे रोगों में बड़ी मित्रता है, आपको कोलेस्ट्रॉल हो जाए धीरे धीरे फिर कहेगा आओ मित्र, डायबिटीज को भी बुला लेगा, वो ब्लड प्रेशर को भी बुला लेगा। ये मित्रता है, आपस में एक दूसरे के सेटिंग रहती है कि एक घर में चलो फिर पीछे दरवाजे से हम सबको बुला लेंगे। किंतु सद्गुणों में मित्रता नहीं है। आप एक हंस को यदि कोई बुलाए तो हंस दूसरे हंस को नहीं बुलाता है, ध्यान रखना। किंतु काक को एक कोई बुला ले तो कौआ काव काव करके सब काव कौओं को बुला लेगा। किंतु महाराज कोई दूसरा ऐसा नहीं है। तो ये दुर्गुणों में मित्रता, दोषों में मित्रता, आपस में बड़ा संयोग है। सद्गुणों में मित्रता नहीं है। मैं कई बार लोग कहता हूं जो सत्यवादी लोग होते हैं वो अधिकतर कड़वा बोलते हैं और अभिमान से ये भरे रहते हैं, मैं तो सत्य बोलता हूं, मेरे अंदर जो है वही बाहर है, ये कोई गुण नहीं है। उपनिषद कहते हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो, ये बहुत सद्गुण है, किंतु ऐसा सत्य मत बोलो कि जो दूसरों को कष्ट दे। इससे अच्छा मौन रह जाना है। हम जब मौन साधन हमारे जीवन में नहीं होता है तब अपनी दुर्गुणों को अपनी विशेषता बनाकर स्थापित करते हैं, है अपने दोष हो, किंतु हम स्थापित ये करते हैं, हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम बिल्कुल सत्य हैं, हम अपनी जगह पर बिल्कुल सत्य हैं। इसका नाम सील नहीं है। सील उसका नाम है कि बात बिल्कुल सामने वाले की सही है, किंतु हमको लगे कि यदि ये बात हम बोलते हैं तो उसको पीड़ा होगी, उसको न बोला जाए, इसका नाम सील है। रुक्मिणी में विशेषता थी, कहीं कड़वे वाक्य नहीं बोलती थी। और ये श्री ठाकुर जी को पता था। मैं एक दिन विचार कर रहा था कि नारद जी महाराज जी कम नहीं है, और जो ब्याह कराने वाले होते हैं क्या बोलते हैं, बिचौलिया, आजकल तो उनका नाम कुछ दूसरा हो गया है, वो ठीक नहीं है वैसे तो, कारण क्या पैसा लेकर के इसलिए करवाते, इसलिए ब्रोकर और क्या क्या नाम रख दिया गया है जो बिना पैसे का, वैसे तो पैसा लेकर के जो कराते हैं वो भी वही काम करते हैं। लड़की वालों की विशेषता, लड़की की विशेषता लड़कों को सुनाते हैं, और लड़कों की विशेषता जो गुण होते हैं वो लड़की वालों को सुनाते हैं, उनके परिवार में क्या क्या काम चलता है वो सब कौन बताता है, कौन सी फैक्ट्री है, कौन से गुण है, सब ये दोनों का परिचय कराने वाला कौन, बिचौलिया ना। तो यदि श्री कृष्ण के गुणों को आकर के नारद जी यहाँ विदर्भाधिपति के यहाँ सुनाते थे तो निश्चित रूप से नारद जी महाराज जाकर के रुक्मिणी के गुण श्री कृष्ण को भी सुनाते होंगे, क्योंकि अगर न सुनाते होते तो श्री कृष्ण को ये पता कैसे था कि ये गुण उनमें हैं, ये विशेषताएं उनमें हैं, ये निश्चित रूप से ये गुण हैं। मत्ताम बुद्धि लक्षणो उदार्य रूपशील गुणाश्रयाम। अच्छा, ये शील गुणाश्रयाम है ना, इसको अगर एक साथ कर दो, शील गुणाश्रयाम, शील ही गुणों का आश्रय है। आपके पास सब गुण हैं किंतु शील नहीं है तो सब गुण आपका साथ छोड़कर चले जाएंगे, ध्यान रखना, क्योंकि आश्रय नहीं, रुकने का स्थान नहीं है। और शील यदि आपके गुण साथ जीवन में है तो अन्य गुण आपके साथ आ जाएंगे, क्योंकि शील गुणाश्रयाम, शील दूसरे गुणों का आश्रय है, दूसरे गुणों को स्थान देने वाला है, दूसरे गुणों को अपने समीप में रखने वाला है। इन सब गुणों से अलंकृत थी कृष्णस्य सदृशीम भार्याम, श्री कृष्ण के सदृश भार्या, श्री कृष्ण जैसी, सदृश माने एक जैसी, जो श्री कृष्ण में विशेषताएं हैं वो रुक्मिणी में विशेषताएं हैं, जो रुक्मिणी में विशेषताएं हैं वो श्री कृष्ण में विशेषताएं हैं,
इसलिए सदृश शब्द का प्रयोग किया गया है। ये देख समझ लिया कि भार्याम। वैसे आपको बताएं, ये भार्या शब्द का अर्थ बड़ा रसीला है। आजकल तो भार्या होती नहीं है, और कुछ होती है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं पत्नी को? वाइफ। अब इसका अर्थ हम करेंगे नहीं, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। किंतु भार्या माने क्या होता है? भार्या शब्द का सीधा साधा अर्थ होता है जो अपने पति का भार वाहन करे, अपने पति के वजन को अपने ऊपर ले ले। अभिप्राय क्या है? घर का जो दायित्व है, तुम्हारी जो जिम्मेदारियां हैं, तुम्हारे ऊपर कोई बोझा नहीं है। आप पैसा दे दो, सारा बोझ हमारे ऊपर है। भार्या उसी का नाम। भार्या और भी रसीला अर्थ है ये। भार्या शब्द का अर्थ जो भार ढोन करे, आपका जो आपकी जितनी जिम्मेदारियां हैं, और सचमुच में माताएं हमारी करती भी हैं, बच्चों को स्कूल ले जाना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को फीस देना, घर का काम बहुत बड़ा भार है। घर का, घर गृहस्थी का भार ढोना कोई सामान्य कार्य नहीं है। और जो उस भार्य का वाहन करे उसी का नाम भार्या है। तो उनको लगता था कि बाहर का दायित्व श्री कृष्ण को लगा कि बाहर का दायित्व तो मैं वाहन कर लूंगा, किंतु घर का दायित्व जो वाहन करने वाली भार्या हमको चाहिए। अरे जो हमारा भरण पोषण कर दे जी, उसका नाम भार्या। हमारे भोजन की व्यवस्था करे, हमारे रहने की व्यवस्था करे। तुम्हारा समझ लिए कि बिल्कुल मेरे अनुकूल है। ओढ़ुम मनो दधे, महाराज उन्होंने अपना मन बना लिया। और देखो भाई, भगवान का मन बने तो जीव का मन बनेगा ही। और यहां श्रुति चरितार्थ हो गई। श्रुति कैसे चरितार्थ होगी? श्रुति में वर्णन है, एष वृणुते तेन लभ्या। भगवान जिसका वरण करते हैं वही उनको पा पाता है। तो रुक्मिणी का वरण भगवान ने किया है। जैसे रुक्मिणी ने भगवान का वरण किया, वैसे भगवान ने रुक्मिणी का वरण किया। अब ये चाहती तो यही थी नारायण कि हमारा ब्याह हो, किंतु बड़ा भाई। अच्छा, यहां स्पष्ट है कि छोटे भाई तो इनके साथ में थे, केवल बड़ा भाई ही इनका विरोधी था रुक्मी। और सब भाई इनके चाहते थे कि निश्चित रूप से बंधु नाम इक्षताम दातुम। बंधु नाम जो इनके बंधु हैं, इनके जो भाई हैं, अरे बाबा बंधु कहते ही उसको जो आपको बंधन में बांध दे, बंधु नाम ही उसका है। हम कहते तो भाई हैं, बंधु हैं, और सोचते हैं कि हमको मुक्त करने वाला हो जाए। वो मुक्त करने वाला थोड़ी होगा, तो बांधने वाला होगा। तो ये जो बंधु नाम है इनके, इक्षताम दातुम कृष्णाय, वो महाराज चार भाई तो इनके चाहते थे कि भगनीम अपनी बहन को हम श्री कृष्ण को दे दें। किंतु छोटा भाई जो बड़ा भाई था, ततो निवार्य कृष्णाद विड रुक्मी। महाराज ये रुक्मी जो था श्री कृष्ण के विरोधियों से मिला होने के कारण वह श्री कृष्ण को देना नहीं चाहता था। जब उसने ब्याह का निश्चय किया कि हम शिशुपाल के साथ ब्याह करेंगे, तो हमारी रुक्मिणी माँ एक ब्राह्मण देवता को भेजती हैं, और ये ब्राह्मण देवता गए। आपको क्या कहें, जैसे सुदामा द्वारिका गए हैं ना, वैसे ये ब्राह्मण द्वारिका गए। किंतु विलक्षणता क्या है, इसलिए मैं कई बार लोगों को निवेदन करता हूँ, भगवान के यहाँ पहुँचने में देरी नहीं है, यात्रा प्रारंभ करने में देरी है। इसलिए सुदामा के भी यात्रा का वर्णन नहीं, कितने दिन में पहुंचे, कितना कहां समय लगा, ऐसे इस ब्राह्मण के भी पहुंचने में कोई देरी नहीं लगी कि कितने दिन लगे, कितने महीने लगे, कितने घंटे लगे, कोई वर्णन नहीं है। और सीधे श्री कृष्ण के पास पहुंचे हैं। अब ये ससुराल से आया है, इसलिए श्री कृष्ण ने ब्राह्मण को बहुत सम्मान किया है, और सम्मान करके स्वागत करके ब्राह्मण के गुण गाए हैं। और उसके बाद नारायण इन्होंने जो अपनी बात रखी है उसकी चर्चा मैं कल करूँगा। अभी हम सब गोविंद के चरणों में यही प्रार्थना करें कि हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित, अभी हम सब मिलकर दो मिनट के लिए भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, महामंत्र का जाप करेंगे ठाकुर जी के चरणों में। और एक प्रार्थना है आप सबसे, इसका संकीर्तन करते हुए, ये महामंत्र है, सबको लगे कि हम श्री कृष्ण को पुकार रहे हैं,
इसमें जितने भगवान के नाम हैं वो संबोधन है। हरे राम भी संबोधन है, हरे कृष्ण भी संबोधन है, ये सब संबोधन है। और संबोधन जब प्रयोग किया जाता है तो दूरात धूते च, ऐसा लगे कि हम परमात्मा को पुकार रहे हैं। आप हृदय से पुकारे, उसके बाद जो सूचना होगी, जो विधियां होंगी वो होंगी। हम सब लोग मिल करके हृदय से ठाकुर जी को पुकारें। बस दो तीन मिनट के लिए हम लोग ये संकीर्तन करेंगे डूब करके, और श्री कृष्ण को निहारते हुए श्री कृष्ण को पाने के लिए भाव से उनको पुकारें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। गाइए हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण
कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरि बोल 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 हरि हरि बोल 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 हरि हरि बोल 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 हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम पावन राधा तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम पावन श्री वृंदावन धाम।